इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीड़ी, दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इस दुनिया में सबसे अच्छी और पवित्र चीज है तो वो है प्यार। प्यार क्या है ये सिर्फ उसे पता है जिसने प्यार किया है। प्यार के बारे में कई लोग कई तरह की बातें करते हैं, कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये होता सच है। प्यार वो चीज है जो कब कहाँ हो जाए किसी को पता नहीं चलता। कई प्रेमियों और कई प्यार की कहानियां प्रसिद्ध हैं। परसों मैं दिल्ली जा रही हूँ। दिल्ली? फिर आओगी कब? 15 दिनों तक नहीं आऊंगी। बाप रे, 15 दिन बाद? एक काम करो, तुम भी वहाँ जाओ, वहाँ मेरी दोस्त के यहाँ आराम से मिल सकते हैं, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, कौन से बस से जा रही हूँ? जीना या मरना हो तुम्हारे साथ ही रहना है, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हें छोड़ के भला कहाँ जाऊँगा। मेरा 3रा महीना चल रहा है। क्या, 3रा महीना? और तुम अब बता रही हो, पहले क्यों नहीं बताया? 2 महीने से तो तुम मिले भी नहीं। बहुत गड़बड़ हो गई। ठीक है, एक काम करता हूँ, मेरे पहचान के एक डॉक्टर है, लेकिन मेरा नाम मत बताना। मैंने अगर तुमसे शादी की तो मेरे पापा मर जाएंगे। देखो, कोई बाप अपनी बेटी के लिए मरता नहीं, वो वैसे ही कह रहे हैं, तुम ध्यान मत दो। तुम उनके पास सीधे जाके कहो कि चाहे कुछ भी हो तुम मुझसे ही शादी करोगी। ए सत्या, तेरा भाई मेरी बहन के साथ घूम रहा है, थोड़ा उस पर ध्यान दे। ए राजू, इस तरह से कितने दिनों तक हम लोग घूमते रहेंगे? पता नहीं, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। हमारी शादी कब होगी? क्या तुम हमेशा शादी शादी करती रहती हो? अरे प्यार किया है तो शादी करना जरूरी है क्या? सच कहूँ तो बड़े बड़े प्रेमियों ने शादी कभी नहीं की। 1 घंटे से मैं तुम्हारे लिए पागलों की तरह इंतजार कर रही हूँ और तुम अब आ रहे हो, तुम मुझे समझ क्या रहे हो? हाँ, यहाँ सबको देखो मुझे कैसे देख रहे हैं। सॉरी मंजू, फिर कभी लेट नहीं होगा, मेरे घर वाले हमारी शादी के लिए मान नहीं रहे। तो क्या हम लोग भाग जाएंगे? तुम क्या यहाँ रोज आती हो? क्यों? तुम्हारे साथ पे बीच पे घूमूंगा कभी मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे बहुत खुशी हो रही है, तुमसे पहचान करने के लिए मैं 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ। ओह रियली? इस दुनिया में किसे क्या तकलीफ है मुझे नहीं पता, पर मुझे तो काफी परेशानियां हैं, इसलिए मरने जा रहा हूं। इंसानों पर से भरोसा उठ गया है मेरा, जिंदगी से तंग आ गया हूं। इस दुनिया को मेरा आखिरी सलाम। मेरी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है, मरने के लिए बहुत परेशानियां हैं। आप भी खुदकुशी करने आई हैं? मतलब आप भी? हाँ, लेकिन आप मरना क्यों चाहती हैं? मैं पास वाले गांव में ही रहती हूँ, माँ पिताजी बचपन में ही चल बसे। मेरे मामा जी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, घर के सारे काम मैं ही करती थी, पर मेरी जायदाद का सुख वो लेते थे। मेरे पड़ोस का एक आदमी जो बहुत बड़ा गुंडा है, पहले से ही 2 शादियां कर चुका है और उसकी बीवियां छोड़कर चली गई। मेरी शादी जबरदस्ती उससे ही कराना चाहते हैं वो लोग, क्योंकि अगर मैं दूसरे से शादी करूंगी तो मेरी जमीन उनको नहीं मिल पाएगी। उन लोगों ने मुझे कभी प्यार नहीं किया, हर रोज उससे शादी करने के लिए मुझसे जबरदस्ती की। मना करने पर मुझे डांट कर मार कर बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं। उस नरक में नहीं रहना मुझे, इसलिए मैं यहाँ मरने चली आई। इतनी छोटी बात के लिए मरोगी? आपकी क्या प्रॉब्लम है? पिताजी की बचपन में मौत हो गई, माँ ने ही मुझे बड़ा किया। 10 एकड़ जमीन है, वही हमारा सहारा है। मैंने MCA किया, बाप जी मेरा बचपन से दोस्त था, दुबई में रहता है, हर एक साल में गाँव आता था। उसको देखते ही हम लोग को बहुत खुशी होती थी। मुझे भी दुबई चलने को कहा, थोड़ा पैसा खर्च होगा कहा था,
चाची। क्या चाची जी, कितना मांगा है? 5 लाख रुपए ना? 5 लाख रुपए देकर मेरे साथ भेज दीजिए इसे। अगले साल अगर आपको घर देखना भी होगा तो ये यहाँ पर रहेगा नहीं। क्यों आप इसे यहाँ पर रखकर इसका भविष्य खराब करना चाहती हैं? जब मैं यहाँ से गया था तो किसी ने मुझे करेज किया था, सब ने मना किया था, इसके बाद भी गया ना, और आज देखो मेरे पास क्या क्या है। करेक्ट करेक्ट। ये अगर यहाँ पे रहा तो ऐसे ही आवारागर्दी करता रहेगा, अगर मेरे साथ जाएगा तो एक साल में लाखों रुपए कमाएगा, लाखों। उसकी बातों पर विश्वास किया, माँ के मना करने के बावजूद भी जमीन बेचकर 5 लाख लाकर उसे दे दिए। वाइजैक में उसने एक एजेंट से मिलवाया, 6 महीने से यही हूँ। उसने धोखा दिया, ये बात थोड़े देर से पता चली, अब मैं बिल्कुल हेल्पलेस हूँ। इंसानों पर से भरोसा उठ गया मेरा, स्वाभिमान। दोबारा ये चेहरा माँ के सामने नहीं ले जा सकता, इसलिए खुदकुशी का फैसला किया। इस तरह की प्रॉब्लम्स तो काफी सारे लोगों को होती है ना। देखिए, मेरी प्रॉब्लम मेरे लिए सीरियस है, प्लीज आप मुझे कोई सलाह मत दीजिए, और ना ही मैं आपको दूंगा। असल में आप कौन है, मैं कौन हूँ? मरने आए थे ना, चलिए मरते हैं। रेडी है ना? 1, 2, 3। रुकिए, इतना कम, कम से कम आप 10 तक तो गिनिए। ओके ओके, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। कूदने की हिम्मत नहीं हो रही। एक काम करते हैं, मैं आपको धक्का देकर फिर पीछे से कूद जाता हूँ। अगर आप पीछे से नहीं कूदे तो? मेरी मर्जी है, मन बदल कर वापस लौट जाऊंगा, आपको क्या? आपको अगर मैं धक्का देकर चली जाऊंगी तो आपको कैसा लगेगा? मुझे धक्का देकर? काफी गहरा है, गिरने पर क्या होगा? और क्या, इस पत्थर के जैसे फिसल कर गिर जाएंगे। और कोई अल्टरनेटिव नहीं है क्या? रेल की पटरी के ऊपर लेट जाएं? ना ना, उसमें तो बड़ी तकलीफ होगी। नहीं तो फांसी से लटक जाएं? दम घुटने से तड़प कर? ना ना, मुश्किल है। सामने समंदर है, डूब जाएं? मुझे तैरना आता है, जल्दी जान नहीं जाएगी। ओहो, अच्छा एक काम करते हैं, दोनों कोई मुट्ठी भर स्लीपिंग पिल्स खाते हैं, नींद भी आएगी और जान भी चली जाएगी, आराम से जान जाएगी बिना तकलीफ के। ठीक है ठीक है, तो चलिए। देखा आपने, सब लोग कितने खुश हैं, तो हम ही क्यों इतने तकलीफ में रहे? अगर मेरे माँ पिताजी जिंदा होते तो मैं भी आज बहुत खुश होती। मैं काफी परेशानियों में पली हूँ, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने प्यार से बात की हो। अरे कम से कम मरने से पहले मिठाई तो खिला दो। अभी अभी खाएंगे आप मिठाई? थैंक यू जी, वैसे भी मरने जा रहे हैं, आपकी भी मेरी तरह कुछ ख्वाहिशें होंगी ना? एक अच्छे से होटल में जाकर तंदूरी चिकन खाना है। तो चलकर खाते हैं ना? पैसे नहीं। आप मेरी चेन गिरवी रख दें? नहीं नहीं, मेरे लिए आप चेन क्यों गिरवी रखेंगे, रहने दीजिए। ये मेरी नहीं है, मेरी माँ की है, वैसे भी तो माँ के ही पास जा रही हूँ। यहीं पास में मेरा घर है, वहाँ जाकर मर जाते हैं। सुंदर साहब घर में है क्या? जल्दी से बाहर आइए। सुंदर साहब नहीं है, मर गए हैं। हे भगवान, आप कब मर गए सर? शट अप, मौत मेरी नहीं हुई है, सुंदर साहब की हुई है, मतलब मेरे सर जी, यानी मेरे सर। मेरा नाम सुंदर है और सुंदर साहब जिंदा नहीं है। बाप रे, दूध के पैसे पेपर के पैसे कब देंगे सर जी? ऊपर का रूम किराए पर दिया है। किसके लिए? तुम्हारे लिए। उसके रेंट से तुम्हारे दूध का कर्जा चुका सकता हूँ, पर वो रेंट नहीं दे रहा है। पीछे का रूम यार होस्टेस प्रियंका चोपड़ा को रेंट पर दिया है। किस लिए?
तुम्हारे लिए। सोचा था कि वो रेंट नहीं देता तो कम से कम ये तो रेंट देगी, लेकिन बदकिस्मती देखो ये भी रेंट नहीं दे रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है उससे रेंट कैसे निकलवाऊं, मेरे पास तो बीवी भी नहीं है जो जाकर उससे पूछे। लेकिन चिंता मत करो, किसी भी तरह एक तारीख को तुम्हारा पैसा चुका दूंगा। हाँ एक काम करते हैं, ये रूम भी किराए पर देकर मैं बाहर रस्ते पे बैठ के भीख मांगता हूँ। किसके लिए? तुम्हारे लिए। इनके रेंट से न सही, कम से कम भीख से तो तुम्हारा कर्जा उतरे। वो सब तो ठीक है सर जी, लेकिन मैडम जी दूध के पैसे आपसे लेने के लिए कह रही थी। मेरे से लेने को कहा? मुझसे क्यों लोगे, वो मेरी बीवी है क्या? हेलो, क्यों शादी के बारे में बात हो रही है? क्या शादी कर रहे हैं आप? वो बात नहीं है, लेकिन आप रेंट नहीं दे रही हैं और ऊपर से दूध का पैसा भी मुझे चुकाने के लिए कह रही हैं। हाँ तो दे दीजिए ना, मैं पे कर दूंगी। पक्का? हाँ, अभी तो मैं मुंबई जा रही हूँ, शाम को आ जाऊंगी, शाम को कलकत्ता जा रही हूँ, रात को 10 बजे आऊंगी। यू आर सो बिजी। तो रात को उठाना आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप जेंट्स बैचलर हैं और मैं लेडीज बैचलर। उसके बाद आपको वैसे भी नींद नहीं आएगी, सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस। मैं एक काम करती हूँ, नेक्स्ट मंथ दे दूंगी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। वो यंग मैन किसी लड़की को साथ लेकर आ रहा है, हम तो बैचलर्स है, वो दोनों को देखकर कहीं हम लोग भी ना भटक जाए। उन्हें मना कर दीजिए। ए, कौन है ये लड़की? मेरी गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड मतलब? तुम्हें इससे क्या करना है बे? कल तक तो तू सर सर करता था और आज तू बेबे कर रहा है, देख लूंगा। एक मिनट, आजा अभी तुझे बताता हूँ। क्या रे? रात के 9 बजे लाइट बंद कर देना चाहिए, कोई गेस्ट नहीं आना चाहिए, 2 बकेट से ज्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मतलब मैं भी तुम लोगों के जैसे कुत्ते की तरह जीऊं। सुनो सुनो, मुझे पता है तुम किसके बारे में बोल रहे हो। जस्ट वेट, आई टॉक टू हिम। वो लड़की कौन है मुझे कोई मतलब नहीं। वो लड़की कौन है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आई वॉन्ट माई मनी। मेरा रेंट कब दोगे? बोलो। देखा, टेंशन में डाल दिया ना। बोलो। असल में दूंगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं दोगे? क्या एक पैसा भी नहीं दोगे? देखो मैं क्यों कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। सपने में भी पेमेंट नहीं दूंगा, जो करना है वो कर लो। इतना बकवास सा रूम दे करके लाइफ खराब कर दी तूने मेरी। एक ही एंगल देखा है तूने मेरा, दूसरा एंगल अब तक नहीं देखा। काट के रख दूंगा तुझे। अरे बापरे, लेडीज के सामने इज्जत की बात लगा दी। कूल डाउन। उसे काफी टाइम से वार्निंग देने की सोच रहा था पर हिम्मत नहीं हुई, वैसे मरने तो जा ही रहे हैं तो आज बोल दिया। यही है मेरा रूम। आपका रूम तो बहुत अच्छा है। अब तो मरने वाले हैं, रूम अच्छा हो या बुरा क्या फर्क पड़ता है। आइए। मेरी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है, मुझे काफी सारी तकलीफें हैं। सुनिए, चले मरे। सुख दुख में साथ देते हैं पर आप मेरी मौत में साथ दे रही हैं। सर, सेक्टर 8A32 यही है क्या? बाहर बोर्ड नहीं देखा सर आपने? सर बोर्ड तो देखा था लेकिन आप बता देंगे इसलिए आपसे ही पूछ लिया। बोर्ड देखकर भी पूछने की आदत है, चल निकल। हेलो सर। हेलो। मैं A2Z सर्विस सेंटर से आया हूँ। हाँ। आपके घर में कौन सा फ्रिज है? फ्रिज नहीं है। तो कूलर? नहीं। टीवी? नहीं। कुछ भी नहीं। आपकी उम्र क्या है? सेम टू सेम तुम्हारी उम्र का हूँ। ये सब अगर तेरे घर में होता तो तू घर घर क्यों घूमता? चल निकल, चल जाना, नीचे एक हड्डी का ढांचा है उससे जाकर मिल। अब कौन आ गया?
ताला लगा के चाबी फेंक देता हूं। क्यों रे, कैसा है? 5 लाख लेकर गया था, नौकरी का क्या हुआ? नौकरी वैसे ही है, 5 लाख ही गायब हो गए। खाना ठीक से खा रहा है ना? हाँ अभी खाया। बुधवार को तेरे मामा आ रहे हैं, पर कोई ट्रेन का पता नहीं है, तो स्टेशन पे ही इंतजार करना। तब तक मैं रहूंगा तब ना। मुझे नौकरी मिल गई, नेक्स्ट फर्स्ट से ज्वाइनिंग है, महीने का 20,000 सैलरी। ये नहीं मिल रही थी इसलिए मरना चाहा, पर अभी अभी मुझे जीना होगा, जीना होगा। मुझे जीना है, जीना है। चाबी, चाबी, चाबी कहाँ? हम लोग अलग अलग जगह पैदा हुए हैं, पर हमारा मरना साथ में लिखा हुआ था। आपको जीना होगा। मरने के बाद फिर से पैदा होंगे क्या? पता नहीं। हुए तो जरूर मिलेंगे। क्यों? मुझे आप बहुत अच्छी लगी। आई लव यू। क्या मैं आपको एक बार गले लगाकर मर सकता हूँ? आपका नाम क्या है? जानवी। आपका नाम? निकल बाहर। ए सूर्य प्रताप, आज या तो तू रहेगा या मैं रहूंगा, निकल बाहर। ए ए, अगर तुझे भड़ोतरी का कैरेक्टर पता है तो मुझे ऑनर का कैरेक्टर पता है। आज तक तूने धमकी देने वालों को देखा है, आज लेकिन मैं तुझे बताऊंगा कि मार क्या होती है। ए निकल बाहर। ऐसे क्या चुप हो गए? ये क्या है, क्या हुआ इन लोगों को? बेहोश हो गए क्या? सुनिए सिस्टर, ये दवा 3 नंबर बेड के पेशेंट को देनी है, कैसे देनी है बता दीजिए। अभी एक दे दीजिए, दोपहर में एक दीजिए, और बाकी बचे रात में दे दीजिए। कुछ होगा तो नहीं? कुछ भी नहीं होगा बाबा। पक्का विश्वास से कह रहे हैं ना? अरे मैं कह रही हूँ ना। हाँ हाँ, तो फिर अभी एक दे दूँ? हाँ अभी दे दो, दे दो, कुछ नहीं होगा, बेकार में परेशान कर रहे हो मुझे। तुम्हें क्या जरूरत है खुदकुशी करने की? तुम्हें शहर में आई ही क्यों? ठीक है, 5 लाख रुपए पानी में मिलाया तो चुपचाप वापस चले जाते, ये सब क्यों किया? अरे मरना ही था तो अकेले मरते, उस लड़की को क्यों मिला लिया अपने साथ? जो गुंडे तुम्हें मारने आए थे बेचारे रात भर बिना सोए तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, क्या नसीब पाया है तूने। आइए, अगर आप अपने गुंडों के साथ इसे मारने के लिए नहीं आते तो आज मेरा भांजा जिंदा नहीं रहता। कोई बात नहीं जी, कभी कभी इमोशन में लिए हुए डिसीजन भी सही हो जाते हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, मेरे साथ जो लड़की आई थी वो कहाँ है? उसके रिश्तेदार यहाँ आकर उसे ले गए। वो यहाँ, ये बात उनको कैसे पता चली? आपको सुसाइड अटेम्प्ट किए हुए 3 दिन हो गए। सुसाइड अटेम्प्ट के दूसरे ही दिन पेपर में आया था लव फेलियर होने के कारण 2 युवाओं ने खुदकुशी की, उसे देखकर वो लोग यहाँ आए और उसे ले गए। एड्रेस है क्या? पता नहीं जी। मामा जी, मुझे उस लड़की से मिलना है, मैं उस लड़की से शादी करूंगा। अभी तक तो मर रहा था और अब शादी करनी है? बीमार है इसने छोड़ दिया, नहीं तो कान के नीचे एक देता अभी। ए आज आखिरी तारीख है, जाकर नौकरी ज्वाइन करनी है। ए चलना, चलना भांजे। अरे चलना। सर टीका लगाएंगे? किस लिए? वो कुछ नहीं। हाँ। बॉस को खुश करने के लिए। ओ भास्कर जी। हाँ। टीका लगाएंगे? क्यों,
छुट्टी मांगनी है? रुद्राभिषेक करके आया हूँ, कोई तोड़ नहीं है, ब्रह्मांड उल्टा घूमने लगेगा। मैडम कॉफी। मैडम जी क्या बात है, बहुत चमक रही है। छोड़ो ना। ये स्लीवलेस बहुत जम रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। आ रहा हूँ सर, कॉफी। साले टाइम देखकर आवाज देते हैं। हाँ कॉफी चाहिए? चाय। क्या चल रहा है? यहाँ आते ही कॉफी पीना जरूरी है क्या? घर से पीकर नहीं आते क्या? शर्म नहीं आती? कॉफी हाउस बना रखा है, मुझे और मेरे पैसे को चूस रहे हो तुम लोग, और ऊपर से वो साउंड जैसे कि मार्च चल रहा हो। मार्च। कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, ऐसे ऐसे किया और कॉफी, ऐसे ऐसे किया चाय, यहाँ से वहाँ जाते ही ब्रेक। क्या चाहिए तुम्हें? आपको टीका लगा दूं सर। चेहरे पर टीका और कान में फूल लगाने वालों में से मैं नहीं हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे छुट्टी चाहिए सर। बात करते हो, पता नहीं किस मुहूर्त में ऑफिस ज्वाइन किया था तुमने। लड़की देखने जाना है इसलिए छुट्टी, उसके बाद शादी करनी है इसलिए छुट्टी, उसके बाद बीवी पेट से है इसलिए छुट्टी, उसके बाद उसकी डिलीवरी पर छुट्टी, बच्चे के अन्नप्राशन पर छुट्टी, उसके नामकरण पर छुट्टी, ससुर जी मर गए इसलिए छुट्टी, साले साहब की शादी है इसलिए छुट्टी, साली की शादी है इसलिए छुट्टी, जब देखो तब छुट्टी ही छुट्टी। आज तुम्हें किस वजह से छुट्टी चाहिए जल्दी बताओ, बताओ 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 बताओ। मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ सर, लड़की देखने जाना है। अब तुम्हें एक सेकंड भी यहाँ नहीं रहने दूंगा, निकलो मेरे ऑफिस से, नहीं तो तुम्हारे बाल रोस लूंगा। तुम्हारे बाल तो है नहीं, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मार कर निकाल दूंगा। जाओ निकलो। शादी का मामला है सर, सिर्फ एक बार छुट्टी दे दीजिए सर। सुनो पैसे निकाल रहा हूँ, दो मिनट में डिसमिस कर मेरे पास आ जाओ। जाओ निकलो, तुम इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सूर्य प्रताप है सर, मेरा ज्वाइनिंग लेटर है। जाओ अंदर जाओ। लगता है आज दिन ही खराब है। किसने बोला सर? किधर जा रहे हो सर? प्लीज आइए ना, आइए आइए। अब मेरा क्या होगा सर, मेरे पास एक ही नौकरी थी वो भी चली गई। अब तो समझ गया ना, टीका लगा के कहा तुमने रुद्राभिषेक हो गया है, ब्रह्मांड उल्टा चलने लगेगा, अब क्या हुआ, भूमंडल पलट गया है, काम पे ध्यान दो। पर कैसे सर? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आज ही नए मैनेजर ज्वाइनिंग ले रहे हैं, इस सब में बॉस भूल जाएंगे। छी 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 छी, क्या बात हो गई सर, उस मैडम के दूध के पैसे आप क्यों दे रहे हैं सर? टाइम खराब चल रहा है, कैसे कैसे कामों में पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। सर जी आपके पैसे भी उनसे पे करवाने का एक आइडिया है मेरे पास। तुझमें ये टैलेंट भी है? ठीक है बता। ओके सर बताता हूँ। आप दोनों अभी तक बैचलर है ना सर, हैं? स्लोली सेटअप में उतार लीजिए सर। सेटअप में? हैं? सेटअप मतलब? सीक्रेट शादी कर लीजिए सर। उसके साथ शादी? उसके साथ शादी करूंगा तो उसको खिलाने के लिए घर बेचना पड़ेगा। अरे ऐसा मत सोचिए सर, आपसे भी ज्यादा सैलरी है उसकी सर। अगर प्लेन गिर गया तो 15 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे सर, बैठे बैठे। मतलब मेरी बीवी को मारने की इच्छा रखता है तू? अरे सर, अरे सर, मैंने तो आइडिया दिया था। अरे नहीं, अरे अरे सुनो तो, उस पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? बहुत बड़ा बदमाश है, कहता है हमारी और तुम्हारी शादी होते हुए देखना चाहता है। क्या अनाप शराब बके जा रहे हो, और वैसे भी तुम अगर हाँ भी बोलोगे तो मैं शादी थोड़ी ही करूँगी, मैं तो फर्स्ट हैंड हूँ और तुम सेकंड हैंड। क्या कहा, मैं सेकंड हैंड? तुमसे किसने कहा? उसने ही, तुम्हारी वाइफ भाग गई है ना, उसी ने कहा है। भागी नहीं है, मर गई है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेकंड हैंड ही हुआ ना। ओके ओके, मेरा एक डाउट है, ये बताओ तुम्हें एयर होस्टेस की पोस्ट किसने दी? उन्हीं लोगों ने। तुम्हारी ये पोस्टिंग बड़े बड़े जंबो जेट में, बड़े बड़े बोइंग में होगी ना? इतनी यकीन के साथ कैसे बोल सकते हो? छोटे मोटे प्लेन तो गिर जाएंगे ना। क्यों गिरेंगे? क्योंकि फ्लाइट में आजकल लगेज कट हो रहा है ना। मुझे क्यों कट करेंगे? अभी कहाँ जा रही हो? गुजरात। तो जाओ ना। मुझे सब समझ में आ रहा है, बाद में तुम्हें देखूंगी, चलती हूँ। ठीक है। मेरी बीवी भाग गई कह के मेरा मजाक उड़ाती है, मेरी सटक गई ना तो छोड़ूंगा नहीं। अपनी माँ को मत बताना कि तूने मरने की दवा खाई थी। मैं भी नहीं बताऊंगा, जो पैसे पानी में गए उसी से नौकरी मिलेगी, मैं ऐसा बोल दूंगा उसको। तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। है सुनो, मैं गाँव जा रहा हूँ, जरा लड़के का ध्यान रखना। हमें कोई दूसरा काम नहीं है ना, आपके लड़के का ध्यान भी रखो, नीचे रहने वाली का ध्यान भी रखो, मेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं है यहाँ। अरे परेशान मत होइए, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। रहने दीजिए, आपके लड़के का एक एंगल देख लिया है, दूसरा एंगल देखूंगा तो पता नहीं क्या होगा मेरा। तभी थोड़ा परेशान था इसलिए कह दिया, माफ कर दीजिए। इस गधे से क्या माफी मांग रहा है तू? माफ कर दीजिए, आप तो भगवान जैसे। तू चल। अबे गंवार कही के, लगता है तुम लोग मुझे ज्यादा ही लाइटली ले रहे हो। Thank you.
सच है या सपना मुझको पता चले ना। मुझको ये क्या हुआ है ख्यालों में तेरे खोया। ये सच है या सपना मुझको पता चले ना। मुझको क्या हुआ है ख्यालों में तेरे खोया। नसीब से मिले हो मुझको तुम जीवन में बारे लाए तुम। दिल ये दीवाना हुआ दीदार जब से हुआ। दिल ये दीवाना हुआ दीदार जब से हुआ हुआ हुआ। सच है या फिर सपना मुझको पता चले ना। मुझको क्या हुआ है ख्यालों में तेरे खोया। मदहोश कर दे तेरी ये मुस्कानी। दिल को मेरे मदहोश कर दे तेरी ये मुस्कानी। तेरी दीवानी हो गई हूँ मैं खो गई तेरे प्यार में। खुशनुमा हो गया तेरे आने से हर मौसम। दिल की मेरी धड़कन गाए प्यार की सरगम। दिल बहकने लगा मेरा नशा कैसा छाने लगा। ये क्या मुझे होने लगा मेरा चैन भी खोने लगा खोने लगा खोने लगा। सच है या फिर सपना मुझको पता चले ना। मुझको क्या हुआ है ख्यालों में तेरे खोया। प्यार की राहों में तुम मिले हम रहे बनके। चुनरी मेरी रंग दो नाम से अपने सनम। मेरे जीवन से दूर ना जाना सनम। तुम ही हो प्यार मेरा तुम ही हो मेरा जहां। तुम दिल का हो अरमां है तुमसे ही मेरी खुशियां खुशियाँ खुशियाँ। सच है या फिर सपना मुझको पता चले ना। मुझको क्या हुआ ख्यालों में तेरे खोया। सच है या फिर सपना मुझको पता चले ना। मुझको क्या हुआ है ख्यालों में तेरे खोया। नसीब से मिले हो मुझको तुम जीवन में बाहर लाए तुम। दिल ये दीवाना हुआ दीदार जब से हुआ। दिल ये
ये दीवाना हुआ, दीदार जब से हुआ हुआ हुआ। सच है या फिर सपना मुझको पता चले ना, मुझको क्या हुआ है ख्यालों में तेरे खोया। अरे बाप रे, क्या हुआ? दर्द हुआ। कहाँ पर? सिर में। तो झंडू बाम लगा लीजिए ना। लगाने वाला नहीं है ना। मैं लगा दूँ? प्यार से लगाना। प्रियंका, तुम इतने प्यार से लगा रही हो ना, तो पता है मुझे कितना अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मेरे लिए तुम, तुम्हारे लिए मैं, इसके अलावा हमारा कौन है बताओ? आपका कोई नहीं होगा, पर मेरा पूरा एयरपोर्ट स्टाफ है। यही गुस्सा आता है मुझे। हाँ चोपड़ा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मुझे ऐसे झंडू बाम लगाती रहोगी ना? आधा घंटा है तो ठीक है, पूरी जिंदगी मैं नहीं लगाऊंगी। एक बात कहूँ, मुझे तुम्हारे साथ ही जीना है। बिना शादी के मुश्किल है। मेरा मतलब यही था कि शादी के बाद। ठीक है, मैं अभी बैंगलोर जा रही हूँ, लैंड होते ही सोच कर बताऊंगी। I want time यार। Take your own time but don't say no na। कुछ दिन पहले मेरे साथ खुदकुशी की कोशिश करने वाली जानवी, तुम जहाँ कहीं भी हो आ जाओ, तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकता। मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारा सूर्य प्रताप। ये तो हमारा सूर्य प्रताप है। हेलो। यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? डायरेक्टली पॉइंट पे आ जाता हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मुझे मैनेज करना ही नहीं आता। अगर वो पता होता तो अब तक अमेरिका में होता। ऑफ कोर्स हमारी शादी के बाद अगर मैं पहले जाता भी हूँ तो बाद में तुम्हें ले जाऊँगा। हमारी बात जल्दी डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब से तुमने ऑफिस ज्वाइन किया है, पता है मैं तब से तुम्हारे लिए ट्राई कर रहा हूँ, फिर भी तुम कुछ बोलती ही नहीं। अगर तुम हमारी बात जल्दी डिसाइड कर लो तो कॉफी लेंगे या चाय लेंगे? जल्दी डिसाइड करो, चाहो तो एक घंटा ले लो प्लीज। सर, कॉफी लेंगे या चाय लेंगे? मुझे कुछ नहीं चाहिए बस। सर, कॉफी चलेगी या चाय? एक बार में बात समझ में नहीं आती, कहाँ ना जाओ। मैडम, आपको मैनेजर साहब बुला रहे हैं। मैनेजर का बच्चा। मैंने कहा आपको चाय चाहिए या कॉफी? मटका भर कॉफी लाओ और मेरे मुंह पे डाल दो। कॉफी नहीं है सर। चाय है? नहीं है सर। तो क्यों आए हो? आप इस टाइम पे क्या पीना पसंद करेंगे सर? बस यही जानने के लिए यहाँ आया था। इसे भी लव चाहिए। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, अच्छा, तुम्हें भूतों पर विश्वास है क्या? छे छे, इस जमाने में भूत की बात करते हैं। तो पुनर्जन्म पे? ये मानने की बात नहीं है सर। वैसे आपने इतनी पढ़ाई की है फिर भी ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं सर? वो क्या है कि कल तुमने दादाजी के मरने पर छुट्टी ली थी ना। ओ, अच्छा। कल शाम को वो मुझे बाजार में मिल गए थे। मुझे लगा कि वो कहीं भूत तो नहीं बन गए या फिर से जन्म लेकर आए हो। तुम क्या कहते हो सर? सर, दोबारा मुझे शक्ल मत दिखाना। जाओ जाओ जाओ। खून ही कहीं का। कुछ लोग पैसों के लिए लोगों को मारते, इसने छुट्टी के लिए दादाजी को मार दिया। सर, लेटर आया सर। क्या हुआ सर? माँ सीरियस है, मुझे जल्दी निकलना होगा। सुनो, तुम लोग बार बार पैसों के लिए घर की तरफ आते रहोगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। कैसे हो तुम लोग? हाँ, सिर्फ तुम्हारे 5 लाख रुपयों के लिए हम क्या ये क्या लेटर में तो लिखा था सीरियस है? बहुत गुस्से में है तो ये चक्कर है, उल्लू बनाया मुझे। जिंदा थे तो मेरे घर पर पूरे दिन बैठकर खाने पीने वाले तुम लोग क्या वही पैसों के लिए मेरी जान खा रहे हो? इस तरह 25 बार घर के चक्कर लगाते रहोगे तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। चलो चलो चलो। माँ कैसी हो तुम? हाँ, तेरी दया से अब तक जिंदा हूँ। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? ये सुन, बता इसे। क्या हुआ मामा जी? बताता हूँ। माँ ने तेरी पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए दिए थे, जिसे हम दोनों ने अच्छे से मैनेज किया, ये सिर्फ हमें और तुम्हें पता है। अब वो कर्जा चुकाने के लिए तेरी शादी करनी पड़ेगी।
क्या मतलब मेरी शादी कर देंगे? कर देंगे नहीं, कर ही रहे हैं। ये भी सुन लो, तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की देखी गई है। बिना मुझसे पूछे रिश्ता कैसे ढूंढा? अरे वो सब छोड़ो भांजे, जैसे ही कहा कि लड़की पसंद है तुरंत एडवांस हाथ में रख दिया। हाँ एडवांस ले लिया? आपको थोड़ी भी अकल है मामा जी? चलो माना कि नहीं है, एडवांस देने के बाद क्या क्या पता है, पंडित को बुलवा कर मुहूर्त निकलवा कर शादी की तारीख भी पक्की कर दी। डिसाइड करने वाले वो कौन होते? वही तो मैं पूछने वाला था, उससे पहले कार्ड छपवा कर गाँव में बंटवा भी दिए। तो हम उनसे कम है क्या? हमने उससे भी बड़े कार्ड छपवा कर पूरे गाँव में बंटवा दिए। परसों ही तेरी शादी है। मार्केट में बिकने वाला कोई सामान हो क्या कि जो आए खरीद के ले जाए? अरे शादी नहीं करूंगा। भांजे 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 हटो, ज्यादा बोलोगे तो पूरी बोतल चढ़ाकर सारे रिश्ते भूलकर मारना शुरू करूंगा। अरे दीदी दीदी क्या हुआ? दीदी दीदी ये बोल रहा है शादी नहीं करेगा। अच्छे से समझाया ना तुमने? तेल लगा कर समझाओ क्या? क्या लगाओ क्या, तमाशा चल रहा है क्या? ए सुन, जा टेबल लेकर आ। देख क्या रहा है, एक रस्सी लेकर आ। संभल के दीदी। पत्ते खेलकर दारू पीकर लुटाकर तेरे बाप ने 50 एकड़ की जमीन 10 एकड़ में बदल दी, और उसे तू पढ़ाई करके 10 को 5 में बदल देगा। तेरी नौकरी के लिए 5 एकड़ जमीन पर 5 लाख का कर्जा लिया। ये शादी अगर करेगा तो ही बच सकते हैं। कार्ड बांटने के बाद भी तू शादी से मुकर रहा है, ऐसे क्या देख रहा है रे? ये बुड्ढी क्या तुझे ब्लैकमेल कर रही है? गधा कहीं का। तेरे अलावा मेरा और है ही कौन? तेरी जो मर्जी मैं वो करूंगा। ए सुन। हाँ दीदी। जल्दी से कटहल और केले मंगवा। अभी मंगवा दूं? शादी के दूसरे दिन कितने लोगों को खाने पर बुलाना है, कितना खर्चा होगा, अच्छे से हिसाब निकाल। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे मेरे दिल में उसके अलावा और कोई नहीं है, और ये मेरी किसी और शादी करा रहे हैं। इतना कुछ हो रहा है, तू तो कम से कम बता सकता था मुझे। क्या कर सकते हैं, इस बार के लिए ऐसे ही होने देते हैं। क्या होने देते हैं, दोबारा शादी करने वाला हूँ क्या? तुम्हारी माँ ने जो लड़की देखी है ना, उस लड़की से करोगे ना? उतनी सुंदर है क्या? अच्छी। तेरी माँ भी अजीब है, वो सिर्फ पैसों के लिए तुझे भेज देगी क्या? माँ के बारे में छोड़ दो, वो कुछ करना ले इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कही। अरे मुझे नहीं पता, तुम लोग कुछ भी करो, मुझे ये शादी नहीं करनी है, और इसका कारण मैं हूँ, माँ को पता नहीं चलना चाहिए। कोई प्लान है क्या? वो सब तू हम पे छोड़ दे, हम शादी रुकवा देंगे। कैसे रुकवाओगे? परसों शादी है। तेरा ससुरा तो पी के फुल टाइट है यार, कहीं दुल्हन भी तो नहीं पीती है ना यार? मेरा नाम है जीडी नारायण, तुम मेरे ही नहीं पूरे गांव के दामाद। कितनी लड़कियों से शादी करवाओगे मेरी? कितनी लड़कियों से करवाऊंगा? सभी लड़कियों से करवाऊंगा, पूरे गांव तुम्हारा है। आओ चलो मुझे कंपनी दो। सर नमस्ते। ए तुम गलत शादी में आए हो सर, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। ए, चलो 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 यहाँ से चलो। तेरा ससुर तो सुबह से लेकर शाम तक पीने वाला लगता है। वो मेरा ससुर थोड़ी ना है। चल। ए, चलो यहाँ से, तुम्हें उस शादी में जाना है, जाओ यहाँ से जाओ। थैंक्स, जाके शादी की तैयारी करो। हाँ ठीक है जाओ यहाँ से। या मैं हूँ चढ़ाओ से। अरे दुल्हन कहाँ है रे, कहाँ है रे दुल्हन? हम लोगों की शादी कहाँ हो रही है? जीनी नारायण इज कमिंग। बहुत अच्छी शादी। पीकर धक्के मारता है। मेरी बिटिया कहाँ है रे? वाह बिल्कुल लक्ष्मी देवी जैसी हो बेटी, अगर तुम्हारे पिता जिंदा होते तो तुम्हें देखकर कितने खुश होते। और कितनी देर लगाओगे, जल्दी तैयार करो इसे। तुम्हारी शादी हो रही क्या, जो इतने गहने पहनी हो इस लड़की को पहना दो ना। इतने दिनों तक खाती रही, कमता क्या वो? हमें क्या मिला, सब कुछ तो इसे पालने पोसने में खर्चा हो गया है। नहीं पता किसने कितना दबा कर रखा है, ऐसे ही कोई किसी को कुछ कहेगा नहीं, बस ड्रामा करते रहेंगे, सब ऊपर से नादान ही दिखते। चलो चलो हटो लड़की, हटो रमा जी, हटो ना रमा जी, चल उधर जा। ए, ए, शादी कैसे रुकोगे बताओ ना। अरे हम रोक लेंगे। अरे लेकिन मुझे भी तो बताओ, माँ को शक भी नहीं होना चाहिए ना। ए, दिमाग खराब हुआ तो तेरी माँ के हाथों से शादी रुकवा दूंगा। कैसा है यार? ओहो समधी जी यहाँ आइए, लड़की को नहलाया तो गया है ना? ये क्या कह रही है, 4 बकेट पानी से नहलाकर गुड़िया जैसा तैयार कर रहे हैं उसे। दुल्हन तो पहलवान जैसी है, ये शादी रोकनी ही पड़ेगी यार, वरना इसकी जिंदगी तो एकदम बर्बाद हो जाएगी। रमा जी आप क्या है, भैंस जैसे खिलाया जा रहा है आपको, उधर जान भी बहुत अच्छे से तैयार हो रही है। तू फिर से आ गया रे?
नहीं आऊंगा क्या बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? देखो कौन कौन यहाँ है, मैं तो घर का हूँ तो आऊंगा नहीं क्या? तैयारियाँ देखनी पड़ती है, वरना अगर दामाद जी नाराज हो गए तो अच्छा लगेगा क्या? ए आ रहा हूँ मैं। कहाँ जा रहा है ये? दूल्हे के कान भर के पेट नहीं भरा, जाओ वहाँ गया वो। ये साड़ी तुम्हारे चाचा जी ने भेजी है, शादी के बाद घर जरूर आना। कुछ दिन पहले मेरे साथ खुदकुशी करने की कोशिश करने वाली मेरी श्रावणी, जहाँ कहीं भी हो आ जाओ, तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। तुम्हारा सूर्य प्रताप। सारी तैयारियाँ अच्छे से कीजिएगा। हाँ, हम बड़े खानदान से हैं पर वक्त के मारे हैं। अच्छे समय नहीं, हमें इतना बड़ा बनाया, हमें पता नहीं। ठीक है ठीक है। ए छोटे, नाम कहो बेटा? हाँ कह दिया। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके। मामा जी हाँ, हम लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है यहाँ पे। हाँ? खाना नहीं है यहाँ पे। हाँ? सुनिए। हाँ? बाप रे, यहाँ खाने का ध्यान कौन रख रहा है? मैं रख रहा। पता चला है कि बारातियों को सिर्फ दो पूरी खिला रहे हो। सही सुना। हाँ? कोई कुछ मांगता है तो गालियाँ देते हो। गाली देंगे और ज्यादा बोलेंगे तो मारेंगे भी। कितनी चर्बी है तुझमें, ऐसा करेगा तो शादी भी रुक सकती है, समझा? अरे दमे तो रख के देखा। लड़की की तरफ का है फिर भी इतना बोल रहा है। मैं लड़के का मामा हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ। इतना बोलना है बोल ले, मैं गुंडा नारायण हूँ। तो गुंडा नारायण है या मुंडा नारायण अभी पता चल जाएगा। है शादी रोको, रोको शादी, जल्दी नहीं रुकेगी शादी, रोको। देखता हूँ कौन रोकता है। सर ये फिर से गलत जगह पे आ गया, चल रहे यहाँ से। जगह पे रहता है अब बताना अभी। शादी मत रोक रहे। मैंने बताया था ना, वही है मेरे लिए पेपर में ऐड दिया है। मेरी बात मान और यहाँ से भाग जा अपने सूर्य प्रताप के पास। वैसे भी इसे शादी करके तो सुखी नहीं रहेगी। ये लीजिए 10,000। समय पर लाए हो मामा जी, आपको ही शादी की तैयारी देखनी होगी। अरे वो बैग वाला कौन है यार? दुल्हन का बाप है, कितना करना पड़ेगा। बहुत परेशानी होगी, लोग प्लान चेंज करेंगे, ध्यान से देखना पड़ता है ना। कोई परेशानी नहीं है, आराम से करो। दीदी पैसे दिए क्या? दे देंगे रे, एक बार शादी हो गई ना तो मामला अटक जाएगा। अरे तो हम लोग लड़की को परेशान करेंगे, समधि जी की वीकनेस जो है। मेरी बात सुन, ये रोना धोना बंद कर और जल्दी बाहर आ जा, मुहूर्त का टाइम हो रहा है। सुन, घर के लिए जो ड्राइवर आया है वो मेरी पहचान का है, मेरी उससे बात भी हो गई है, वो तुझे छोड़ देगा। हाँ ठीक है। दुल्हन के पिताजी कौन है? मैं नहीं हूँ बेटा। नमस्कार जी। नमस्ते। हम लड़के वालों की तरफ से हैं। हाँ। हमारे गांव में एक स्वामी जी आए हुए हैं, अगर आप उनका आशीर्वाद लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये तो बहुत अच्छी बात होगी, आइए मैं आता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। बेटा स्वामी जी का नाम क्या है? ये स्वाहानंद स्वामी जी है, हमारे गाँव के है, आप इनका आशीर्वाद लीजिए। आशीर्वाद दीजिए स्वामी। इस तरह नहीं, साष्टांग नमस्कार करेंगे तो अच्छे से आशीर्वाद देंगे। ठीक है, अरे जल्दी मत कीजिए, अगर कोई इच्छा है तो मन में मांग लीजिए। हाँ, आशीर्वाद मिल गया, उठ जाइए। बार बार बैग को मत दिखा करो बच्चा, धन पापी चीज है, सारे अष्टों कष्टों का कारण यही है। सुखी भवा, सुखी भवा, सुखी भवा। बिल्कुल घबराना मत, आराम से जाना, ड्राइवर संभाल के। हाँ, और सब ठीक चल रहा है ना? सुनिए जी, वो किसी के साथ भाग गई है। छोड़ो, चलो चलो चलो। ए छोटो, उसे छोड़ना मत। मुझे ये परेशानी नहीं कि वो भाग गई है, लेकिन किसी के साथ वापस आकर उसने कहा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये बर्दाश्त नहीं। वो जहां भी होगी उसे पकड़ कर लाना है। जाओ। तो रुक, समधि जी। हाँ जी। पेमेंट के मामले में हमने कुछ फैसला किया था ना? अभी दे दूं क्या? अभी दे दीजिए, हम छुपा लेंगे। पैसे का? ड्रामा मत कीजिए समधि जी, अच्छा नहीं लगता। नहीं बहन जी, मैं सच कह रहा हूँ, कसम खाकर। अरे सुनती हो? सुनिए, जानवी भाग गई क्या? अच्छा ये बात है? अच्छा ये बात है, दामाद जी को बताना होगा, नहीं तो वो दुखी हो जाएंगे। दामाद जी ए सुनो, बैठ के सारे पैसे इसी बैग में थे और अब वो नहीं मिल रहा है। ये तो इनसे भी बड़ी एक्ट्रेस है। हम एक्टिंग नहीं कर रहे जी, हम सही कह रहे हैं। ये बात तो आप दीदी से कहिए। बहन जी परसों तक पैसे दे दूंगा। पीछे तो नहीं हटेंगे? क्यों हटेंगे दीदी, परसों देने की बात कर रहे हैं ना, परसों दे देंगे ना आप पक्का? पक्का दे दूंगा जी। ए भांजे मंडप से बाहर आ जा, परसों तेरी शादी है।
हम किसी तरह का सेंटीमेंट नहीं रखते। देखिए मंडप तक आई हुई शादी का मतलब है, पैसे रुके हैं, पैसे देंगे तो उसी बस में वापस आ जाएंगे। लेकिन परसों का मुहूर्त ठीक नहीं है। मुहूर्त से हमें क्या करना है जी, हमें तो बस नोटों से काम है। लेकिन देखा ना हमारा प्लान। हमारे घर की बेटी भाग गई है सोचकर दुखी मत होना। तुम्हारे घर की शादी है क्या, यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी जानवी बहुत अच्छी है, वो आ जाएगी वापस, आप चिंता मत कीजिएगा। क्या नाम बताया? जानवी। क्या जानवी का घर कहाँ है? जानवी का घर नहीं पता, चलिए दामाद जी मैं आपको दिखाता हूँ। तुम लोग ये रुको, मैं भी आता हूँ। भगवान, हमारा मुंह काला करके चली गई ये लड़की, हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा इसने, क्या करेंगे हम? आइए आइए दामाद जी, यही जानवी का कमरा है, देखिए। दीदी घर से चली गई। चलो जल्दी चलते हैं, वाइसेक जाना है। बेटी तुम कौन हो? सूर्य प्रताप जी हैं क्या? वो तो नहीं है, गांव गए हैं। कब तक लौटेंगे? सूर्य प्रताप के मामा का एक लेटर आया था, उसमें लिखा था कि उसकी शादी में मुझे बुलाया गया है, पर मेरे पास इतना समय कहाँ कि मैं वहाँ जा सकूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ हनीमून खत्म करके आने में 3-4 महीने लग जाएंगे, उसके बाद कौन कौन से रिवाज होते हैं वो तो मुझे पता नहीं। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? तुम तो वही लड़की हो ना जिससे उसकी शादी होने वाली थी, शादी का जोड़ा भी पहना हुआ है। अरे सुनो तो बेटी। अरे रुको बेटी, रो क्यों रही हो? अरे पता नहीं इसे क्या हो गया है। बस बस रुक दो रुक दो। सुंदर जी, सुंदर जी दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। आ रहा हूँ। क्या हुआ सूर्य प्रताप? और इस समय आए तो तुम्हारी शादी होने वाली थी ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो सब बाद में, मुझे पूछने कोई लड़की आई थी क्या? तुम्हारे साथ जो वो लड़की थी ना, वो आई थी। कहाँ कहाँ है वो? उसे बताया आज तुम्हारी शादी है तो वो रोते हुए यहाँ से चली गई, पता नहीं उसे क्या हुआ था। अरे आपने उसे ये कब बोल दिया, अब मैं कहाँ ढूंढूंगा उसे? उस दिन मैंने तुमसे पूछा था कि ये लड़की कौन है तो तुमने मुझे बदतमीजी से गाली दी थी ना। बेवकूफ था मैं, इसलिए कह दिया। सूर्य प्रताप, अरे सुनो तो, अब कहाँ ढूंढूं उसे? उसने भी तुम्हारी तरह जल्दबाजी की, पूछा और रोते हुए यहाँ से चली गई। अरे बहुत दुख भरी कहानी है तुम्हारी। Yes, this is too bad, too worst. वो तुम पर भरोसा करके यहाँ पर आई थी, मैंने कहा तुम्हारी शादी हो गई है तो वो चली गई, पता नहीं कहाँ होगी बेचारी। मुझे एक डाउट है वैसे, तुम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कसम खाई थी ना, कहीं वो लड़की मर तो नहीं गई होगी ना? सूर्य प्रताप, सूर्य प्रताप। हेलो हेलो, अरे सुना नहीं तेरा, 94 से अब तक के सारे फाइल्स जोड़कर मुझे भेज दो DTDC। अरे भाई यार DTDC कुरियर में भेज दो ना। सर एक मिनट। सर वो ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? कैलकटा में सर, वहाँ के हमारे ब्रांच मैनेजर से बात कर रहे हैं। डायरेक्ट क्यों बात कर रहा है, फोन इस्तेमाल कर सकता है ना? हाँ सर फोन से ही बात कर रहे हैं। फोन पे बात कर रहा है इतनी जोर से, उसे अंदर भेजो। हाँ ठीक है सर। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, बिना पूछे तुम छुट्टी पे चले गए, क्यों किया ऐसा? सर शादी थी। तो अब क्या है, हनीमून पे जाना है क्या, उसके लिए छुट्टी चाहिए? सही कह रहा हूँ ना, शादी रुक गई सर। ये तो बड़ी अच्छी खबर है, जाओ शांति से काम करो, जाओ 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 जाओ। आओ आओ आओ। सर 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 सर, कुछ लड़कियां इंटरव्यू के लिए आई हैं सर, एक घंटे के बाद देखता हूँ। बहुत लड़कियां हैं सर, स्मिता, जानवी, राधा, नंदनी। क्या नाम बताया? अरे सर, जानवी, राधा, नंदनी, कीर्ति,
जानवी, सही लड़का कहाँ है? वहाँ बाहर सर। जानवी कौन है यहाँ? मैं हूँ सर। ओके ओके बैठ जाइए। हाय। हाय। यहाँ क्या कर रहा है? सर। लकी है तू, ऑल द बेस्ट। सर 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 ऑफिस में मत बताइएगा सर। नहीं बताऊंगा, कैरी ऑन। क्यों नहीं बताइएगा? मतलब कि तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और एक मैं छोटा मोटा सा चपरासी हूँ, तो अच्छा नहीं लगेगा ना? हाँ सर। वही बात मैं तुझसे पूछ रहा हूँ रे। तो वक्त तू एक क्यों है ना, तुझे मेरी बहन चाहिए। क्यों मार रहे हो? क्या बात है, क्यों मार रहे हो उसे? सर हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, भैया को कहीं नहीं ना मारे। प्यार करते हैं बोल रहे हैं ना, चल छोड़ जाने दे। तू कौन है रे? ये मेरी बहन है। तो कल वो इसके साथ भाग जाएगी, क्या उखाड़ लेगा? इसीलिए तुझे समझा रहा हूँ, प्यार करने वालों को जुदा मत करो, समझ गया? कितनी बार समझाऊं तुझे, एक बार में समझ में नहीं आता क्या? वाले को नहीं रोक सकता, समझाया था ना, अब समझ गया? भैया, भैया। भाई को मारने के लिए I'm sorry, छोड़ो इसे, चलो मेरे साथ। सर सर सर, ये लोग आकर मुझे फिर से मारेंगे। वो आएगा, ये कहना बंद कर, प्यार करता है ना? करता हूँ सर। शादी करोगे? हाँ सर, अभी इसी वक्त करूंगा सर। तुम तैयार हो? इसे छोड़कर कार में बैठो। इसी कार में सर? हाँ इसी कार में बैठो, चलो जल्दी। ठीक है ठीक है ठीक है। ये क्या चल रहा है? यहाँ आसपास मंदिर कहाँ है? थोड़ा आगे सर। व्हाट्स दिस? कहाँ है मंदिर? थोड़ा आगे सर, यहीं पे। चलो 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 जल्दी। चलो कहाँ चलो, प्लीज गेट ऑफ माय कार। ओके। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरे, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप यहाँ क्या कर रही हैं? अब आप जा सकती हैं। शादी करवा रहे हैं ना, करवाइए। I'm sorry, अर्जेंटली करवानी पड़ी, आप तो देख ही रही है ना। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? सर आपका बहुत धन्यवाद, आप ही की वजह से हमारी शादी हुई सर। मैडम आप भी आशीर्वाद दीजिए ना। आपने अपनी कार देकर हमारी मदद की ना मैडम, आपको घर आना होगा खाना खाने के लिए, आओगी ना? क्या करते हो तुम लोग? सॉफ्टवेयर ऑफिस में जॉब करते हैं सर, सेम ऑफिस में, वाइफ सेम ऑफिस में, हम तीनों ही सेम ऑफिस में हैं। देख लूंगी देख लूंगी। ये क्या देख ली रे, सॉरी कहा ना? जाने दीजिए ना सर, आपकी स्पीड के बारे में पता नहीं है, हमने अभी अभी देखी है, आप बहुत अच्छे हैं सर। विश यू वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। अरे अच्छे से कचरा साफ करो, गंदे लोगों की तादाद बढ़ गई है, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। चलो चलो जल्दी हाथ चला साफ करो, चलो जल्दी करो हाथ। ए नारायण, कैसा है रे? बढ़िया सेठ जी, यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं रे, हमारी भांजी है ना, वो दिखाई नहीं दे रही अभी तक, उसी को ढूंढने के लिए निकले हैं। कहीं तेरे पास तो नहीं आई ना? पी के तो मुझे रोड तक दिखता नहीं, लड़की कहाँ से दिखेगी सर जी? अगर वो कहीं दिखे तो मुझे बताना, उसके गले में मंगलसूत्र बांधना है। अरे जो होना था वो तो हो गया, अब गली गली ढूंढने से क्या फायदा? अरे उसे संभाल के रखना चाहिए था ना आप लोगों को। अगर कहीं दिखाई दे तो हमें बता देना, हम लोग कुछ दिन यही हैं, ठीक है? जरा 60 रुपीज होंगे तो देना जरा। छोटू दे दे इसे। ये क्या है? इससे जानवी क्या, मैं भी नहीं मिलूंगा, सिर्फ 10 रुपए। ये ले रख ले, काम कर देना। चलते हैं। लूटने के अलावा दान करना नहीं आता, कमीने चोर। ऐसा क्या रे गंदगी।
ऐसी बात है सर, वो लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, दोनों के बीच कुछ डेवलप होना चाहिए था ना, वो इंजीनियर एक पीयून के साथ सेट हो गई। देखो ज्यादा दुखी मत हो यार, मैंने पहले ही कहा था हम सब लोगों में प्यून ही सबसे ज्यादा स्मार्ट है। हाँ यार, ये चाय नाश्ता देते देते ही वाइफ एंड हस्बैंड के रिलेशनशिप डेवलप हो गए होंगे और वो सेटल हो गए। सुनो, ऑफिस में बहुत सारी लड़कियां हैं, नेक्स्ट टाइम बेटर लग यार। मोनिका वेयर इज द फाइल? सर बॉस ने आपको बुलाया है। किस लिए? मेरे ख्याल से कुछ बात करनी है। सर बुलाया आपने? सॉरी कहा ना आपसे, फिर भी कंप्लेंट कर रही है। मैंने सुना है बहुत दादागिरी कर रहे हो तुम। ऐसी बात नहीं है सर, कितनी बार सॉरी कहूं आपको। किससे बात कर रहे हो पता है? मेरी इकलौती बेटी है ये, तुम्हारे बारे में सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन हमारे ऑफिस के स्टाफ में शादी हुई इसलिए चुप रहा। चलो मेरी बेटी को ऑफिस में सबसे मिलाना है। माय डियर स्टाफ, ये लड़की मेरी बेटी है, नाम है संजना। हाय। किसी को हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है, थोड़े दिन पहले यूएसए में एमबीए कंप्लीट किया है, 2 महीने पहले इंडिया लौटी है, हमारा रामपुर का ब्रांच यही देखती है, इसलिए आप लोगों को मिलवा रहा हूँ ताकि हमारे ऑफिस के कुछ स्टाफ जहाँ कहीं भी रोड पर कार रुकवा कर गलत तरीके से बात ना करें। जाओ जाकर अपना काम करो। चलो। ए, आज का अखबार पढ़ा तूने? क्या हुआ? समंदर के किनारे एक लड़की की लाश मिली है। अरे पता नहीं रे, आजकल लोग कुछ ज्यादा ही सुसाइड करने लगे हैं। सही कह रहा है यार, क्या जमाना आ गया है। लाश है, ध्यान से देख लीजिए। कल जो लड़की मिली थी वो यही है क्या? हाँ सर। और कोई लाश नहीं आई है ना? नहीं और कोई नहीं है। पक्का ना? का साहब और कोई लाश नहीं आई। खलबली 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 दिल में, मुझको दीवाना कर
हाय। रास्ते में डांस कर रहे हो, मुझे नहीं पता था कि आप में इतनी एनर्जी है। आई एम सरप्राइज्ड। वेरी गुड ड्रेस, वेरी गुड एज, आई लाइक यू। थैंक यू मैडम। स्टिल वार्म, काफी गर्मी है आपके हाथों में। कीप इट अप। बाय, सी यू। ओके बाय। सॉरी जी, आई एम रियली सॉरी। एक मिनट, ओह सारे फल गिर गए नीचे। प्लीज बुरा मत मानिएगा, हाँ प्लीज गलत मत समझिए, अनजाने में हुआ। आंखें सिर में है, दिखाई नहीं देता, यही सोच रही है ना? क्या आपको दिखा नहीं? पर सच में ही आज मेरी आंखें बंद हो गई हैं, मेरे हालात भी कुछ ऐसे हो गए। एक मिनट मैं उठा कर देता हूँ। चलिए मैं आपको ऑटो तक छोड़ देता हूँ। पनघट में राधिका ना किरे, पनघट में। सुनिए जी, सुनिए जी, सुनिए। क्या हुआ? मुझे एक नई साड़ी चाहिए। दो दिन पहले ही तो खरीद कर दी थी। हाँ खरीदी थी, वो तो शास्त्र विद्या संगीत के अवसर पर पहनी थी, और अभी लक्ष्मी के घर में नामकरण के दिन पहननी है। तो क्या हुआ उसे, अभी भी पहन सकती हो ना तो? हाँ चुप कीजिए, मैंने जो साड़ी पहनी थी वो पूरे एरिया वालों ने देख ली। अब वो साड़ी वापस कैसे पहनूं? अब मुझे नई साड़ी चाहिए। तुम मेरी पत्नी हो, ये पूरे एरिया को पता है, ये सोचकर मैंने दूसरी शादी कर ली क्या? हाँ लाइए ना, लाइए ना। अपनी बीवी पे तो ठीक से खर्चा नहीं कर पा रहे हो और दूसरी की बात कर रहे हो, कैसे पत्नी? क्या पत्नी का मतलब सिर्फ साड़ी खरीदना होता है, कुछ और काम नहीं है क्या? मौत पर बरसी पर कोई साड़ी खरीदता है क्या? खरीदता है क्या बोलो? ये भगवान, अरे मारिए मत, मारिए मत। वैसे भी आपका दिमाग छोटा है, खराब हो जाएगा बेचारा। छोटा दिमाग यहाँ नहीं होता, पीछे होता है, पीछे। समझ में आया? मर जाऊंगा मैं। आप बाद में मरते रहना, पहले मेरा बंदोबस्त करो। ऐसे दिमाग वाली पत्नी पाकर मेरा तो दिमाग ही खराब होते जा रहा है। अब आपने नाटक करना शुरू कर दिया। मैं सब जानती हूँ, पहले मेरा काम करो, बाद में जो करना है करते रहना, मुझे कुछ लेना देना नहीं। क्या हुआ, फिर से मरने का मन कर रहा है? उसकी शादी हो गई है ना, अभी भी उसी के बारे में सोच रही है? आज मैंने उनको देखा। तुम मिली उसे, कुछ बात की? नहीं की, वो अपनी मिसेस के साथ थे। तो क्या, बात तो कर सकती थी ना? उनको देखते ही बहुत खुशी हुई मुझे, कितनी सारी बातें करना चाहती थी उनसे। अभी भी तो उसे प्यार करती है ना? वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे दिखते हैं क्या? वो कैसे दिखते हैं, फोटो है? फोटो। आइए मैडम, आइए सर, मिनट में फोटो, सिर्फ 50 रुपए में, आपके जाने के बाद भी रह जाएगा, कितनी बार भी देख सकते हैं, कभी भी रख सकते हैं, एल्बम में रखिए या चिपका कर रखिए, जेब में रखिए, फ्रेम में रखिए, चुटकी में फोटो, सिर्फ 50 रुपए में, आपके जाने के बाद भी आपकी यादगार रह जाएगी, आपके बच्चे देखेंगे, तो जल्दी से आइए मैडम, आ जाइए। ऐसे कैसे फोटो निकाला, कितना बेकार लग रहा है। नहीं सर, मुझे तो ये लैला मजनू सलीम अनारकली जैसे लग रहे हैं, देखिए ना। तो ये फोटो अपने पास ही रखो। तो पैसे नहीं है। इसका मैं क्या करूं? एल्बम में रख लो, चिटका कर रख लो, जेब में रखो या फ्रेम में लगा लो, तुम जहाँ चाहो वहाँ रख लो, पिघलेगा नहीं, फटेगा नहीं, तेरे जाने के बाद भी तेरे स्टूडियो में रह जाएगा। तुम जैसे और लोग मिले ना तो मेरा धंधा ही चौपट हो जाएगा। अब बताना यहाँ पे जानी कहाँ जा रही है? सर, आपको याद है हमारी एक फोटो खींची थी? याद है, तुम्हारा वो उधार वाला फोटो में देख देख कर थक गया हूँ, अब तुम पैसे दोगी तभी वो मिलेगा, जाओ यहाँ से। पैसे देकर फोटो ले जाने आई? ये बात है, ये लीजिए पैसे निकालिए। ये लीजिए पूरे 50 का नोट। आपने उस दिन क्यों नहीं दिए थे? अभी देने थे इसीलिए। इतना बड़ा गैप। जानवी बेटी, जानवी कहाँ चली गई थी बेटी? सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, पूरा गांव परेशान है, कुछ दिन पहले तुम्हारे मामा यहाँ ढूंढ रहे थे। मेरे बारे में किसी को मत कहिएगा,
आपसे रिक्वेस्ट है। क्यों बेटी? मैं अकेली खुश हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। समझ में आ गया बेटी, उन कमीनों के बारे में मुझे पता है। वैसे उन लोगों के बारे में सोचना भी गलत है, छोड़ दो उन्हें। तुम्हारे पास 60 रुपए होंगे तो देना प्लीज। ये क्या, दामाद जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। किसी से कुछ मत कहिएगा, किसी से कुछ नहीं कहूँगा। छोटे बच्चे और शराबी भगवान के समान होते हैं, वो सच ही बोलते हैं, फिर भी कोई विश्वास नहीं करता, तो मेरी बात कौन मानेगा? फिकर नॉट। ए, क्लीन किया रे क्या? तुझे देखा तो ये जाना सनम प्या। हेलो, मैं संजना। सूर्य प्रताप है? ओ, नमस्ते मैडम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सूर्य प्रताप जी तो आपके डैडी के पास है, फुल क्लास चल रही है, पूरा लेक्चर दे रहे हैं। जब देखो आपकी प्रॉब्लम सुने क्या, यहाँ कंपनी में और भी कितनी प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे बताओगे, मुझे तुमसे ज्यादा पता है, ऑनर मैं हूँ या तुम हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम मालिक हो गए, बड़े आए। हेलो डैडी, मैं संजना बोल रही हूँ। हाँ बोलो बेटी, क्या हो रहा है? सूर्य प्रताप पर चिल्ला रहे हैं। हाँ तुम्हें कैसे पता? पता है, यही लास्ट एंड फाइनल, फिर कभी उन पर मत चिल्लाइएगा। अगर मुझे गुस्सा है तो? दो का पहाड़ा याद कीजिए। नहीं याद किया तो क्या करोगी? सूर्य प्रताप के साथ भाग जाऊंगी। हम दोनों के बीच हॉट अफेयर चल रहा है, उनके साथ खास कर बात कीजिए। ओके बेटी, ठीक है बेटी, रखता हूँ बेटी। ओके सूर्य प्रताप, अच्छा था, बहुत अच्छा था, बस ऐसे ही इमोशनल हो जाता हूँ, उसकी वजह से गुस्सा आ जाए तो कैसे चलेगा। छोटा सा आदमी हूँ, बस छोटा सा व्यापार चलाता हूँ, तुम इतनी मेहनत करोगे, तुम्हारी इतनी पहुंच होगी, मुझे नहीं पता था। अरे ऐसी बात अरे नहीं है यार, तुम्हारी जो मर्जी हो करो, हर चीज के लिए मुझसे क्यों पूछते हो? जाओ 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 जाओ, अपना काम करो, जाओ 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 जाओ। हेलो, हाय, मैं संजना बोल रही हूँ। हाय, हाउ आर यू? कल शाम को 6 बजे पार्टी है, आओगे ना? किस बात की पार्टी है? बर्थडे। ओह, हैप्पी बर्थडे। की बात वहाँ आकर कहिए, पार्टी में। कहाँ आना है? कंगवर बीच। क्यों, आएंगे ना? जरूर आऊंगा मैं। आपको तुम कह के बुलाऊं तो कोई परेशानी है आपको? तुम मुझे तुम कहकर बुलाना चाहती हो? हाँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके बाय। वो एडवांस हो रही थी या मैं एडवांस हुआ? नमस्ते सर जी, क्या हुआ जी, अपनी मैडम की बात कहाँ तक पहुंची? वर्कआउट हो रहा है क्या? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोली है परसों बेंगलुरु में लैंड करेगी तब बताएगी, कल कह रही थी लखनऊ में लैंड करेगी तब बताएगी, रोज रात को घर में लैंड जरूर करती है, लेकिन पता नहीं बोर्डिंग पास कब देगी, पता नहीं मेरा प्लेन कब टेक ऑफ करेगा। सर अगर आप हाँ कहें तो मैडम को आपके घर में लाकर आपसे गले मिलवा सकता हूँ, एक मिनट में सारी समस्या खत्म हो जाएगी, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करूंगा कि कैसे। One and two and I love you, three and four and you love me, you hey! love me. प्यार से कहता हूँ, तुम्हारे शरीर पर जितना सोना है मुझे दे दो नहीं तो मार दूँगा, निकालो। मेरे पास क्या रहेगा, मैं तो एयर होस्टेस हूँ, चाहिए तो चॉकलेट दे सकती हूँ, वरना ये कॉटन देती हूँ, कान में लगा लो। मैं बहुत खतरनाक चोर हूँ, मैं जो सोचता हूँ वही करता हूँ, चुपचाप निकाल दो सोना नहीं तो मार दूंगा। सुंदर, दरवाजा खोलो सुंदर, रुक सुंदर, सुंदर, सुंदर दरवाजा खोलो। कौन है? सुंदर, अरे प्रियंका, अरे प्रिया, अरे प्री, क्या हुआ तुम्हें, इतनी घबराई हुई क्यों हो? चोर। क्या कहा, चोर? हाँ मैं चोर तो हूँ, तुम्हारा दिल चुराने वाला चोर तो नहीं हूँ ना? वो बात नहीं है। क्या नहीं है, मुझे पता था तुम किसी दिन जरूर आओगी, पर इस तरह उड़ते हुए मेरे पास आओगी ये नहीं पता था। आई लव यू बेबी। अरे बाप रे, मुझे शर्म आ रही है। ए प्री, आप मुझे इतना पसंद करते हैं? और नहीं तो क्या, अमिताभ बच्चन को क्या पता कि उसे कौन और कितना पसंद करता है, मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ, तुम्हें क्या पता। As early as possible, पंडित जी को बुलवाकर मुहूर्त निकलवा दीजिए, वेरी अर्जेंट। ओके। हाय
हाय। बर्थडे पार्टी कहा था ना? हाँ कहा था। तो मेरे अलावा किसी और को नहीं बुलाया? नहीं। क्यों? जस्ट लाइक दैट। जस्ट लाइक दैट। तो केक कट करेंगे क्या? तो यहाँ केक भी काटेंगे। अच्छा लग रहा है ना? एक ही कैंडल लगाइयो ताकि उम्र पता ना चले। 35, 24, 36, ओके अच्छी हूँ ना? सुंदर हूँ ना? फिजीक, शेप, एवरीथिंग इज कूल है ना? तो तुम्हें और कुछ जानना है? ये केक काट दीजिए, मुझे जाना है, बहुत काम है, जल्दी कीजिए। क्या तुम्हें सॉन्ग भी नहीं आता? हैप्पी बर्थडे सॉन्ग? ग्रुप में गाना तो ठीक है पर अकेले गाना थोड़ा मुश्किल है। ये आपके लिए हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। वैसे मुझे अकेले पार्टी में बुलाने का मतलब क्या था? यूं ही? क्यों? मैं तुम्हें प्यार करती हूँ ऐसा लगता है तुम्हें? नहीं नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? तुम्हें मुझे प्यार करने की जरूरत नहीं है इसलिए। अगर मैं प्यार करूँ तो तुम क्या करोगे? तुम प्यार करोगे तो भी मेरे अंदर धीरज नहीं है। कम से कम केक खिलाने जितना तो धीरज है ना? ओह आई एम सॉरी। मेरा मसाला।
घुमाओ बाहों में आ जाओ, डूब जा मेरे प्यार में, शरारते कर मोहब्बते कर, आँखों में मेरी, आँखों में तेरी है जादू टोना, दिल को करे तो दीवाना। अदा है तेरी ये कातिलाना, रूप तेरा मस्ताना, आई हूँ तुझको मैं तो रिझाने, अपना आशिक तुझे बनाने, होश उड़ाए तेरी ये ब्यूटी, प्यार के बहाने सब कुछ लूटी, दिल को चुराना है मेरी ड्यूटी, शोक अदा देखने के लिए थिएटर चले। किस लिए? एक नई स्कीम चालू की है, मूवी खत्म होने के बाद 5 मिनट तक सारी लाइट्स बंद कर देते हैं, तो चलें? मैं फ्री नहीं हूँ, किसी और को ले जाओ। मैं क्या तुम्हें सिल्क स्मिता ज्योति लक्ष्मी की तरह दिखाई दे रही हूँ? नहीं, क्यों? कुछ नहीं, मुझे बिना शर्माए बात करना पसंद है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ, पता नहीं क्यों बार बार तुम याद आते हो, काफी परेशान कर रहे हो मुझे। आई रियली लाइक यू। अरे दमाजी, कितने दिन हो गए आपको देखे हुए, यही मेरा जॉब है। जीडी, मेरा नाम जीडी है। देखो जानवी, जानवी आई थी क्या यहाँ? नहीं आई दमाजी, इसी बात का तो दुख है। अगर वो कहीं दिखे तो मुझे बताना। मेरे बारे में किसी को मत बताइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। नहीं दिखी दमाजी। दिखी तो बताना, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। ये लो मेरा कार्ड, जरूर बताइएगा। दमाजी 60 रुपए होंगे तो जरूर देना प्लीज। ये रखो, जानवी मिले तो जरूर बताना। जी, आप और जानवी एक दूसरे से प्यार करते हैं ना? जानवी के हाथ में आपका फोटो देखा था। कभी क्यों कहा कि नहीं मिली? हाँ, कहा तो था, पर मिली थी दमाजी। कहाँ? 4 दिन हो गए दमाजी। कहाँ होगी वो अभी? पता नहीं दमाजी, इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं बना जिसे सब कुछ पता हो। क्या कहा था उसने, सिरीपुर या गाजुआका? अरे एक जगह बताओ, याद करो। गाजुआका? नहीं नहीं, सिरीपुर। सिरीपुर नहीं, गाजुआका। कहाँ कहाँ जाकर ढूंढूं उसे? नहीं भी ढूंढो, लेकिन ढूंढो। जाने दो, अगली बार मिले तो बताना, कहना उसे कि मैं उसी से शादी करूंगा। कोई बात नहीं दमाजी, तुम हिम्मत से काम लो, हर कुत्ते का दिन फिरता है, आपका भी दिन फिरेगा, आप जा सकते हैं। ठीक है, हाँ। अगर कहीं भी दिखेगी तो मैं बताऊंगा आपको। ओके, ओके। नाम जीडी है, जीडी। रास्ते पे घूमता हूँ, उसे नहीं बताऊंगा कि मैंने बता दिया। कौन है ये जानवी? जानवी को अब तक ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है, कैसी है, कुछ पता नहीं, उसका कोई भी नहीं है। एक दिन जरूर मिलेगी, इसी यकीन के साथ उसका इंतजार कर रहा हूँ, मुझे भरोसा है। सभी लोग आ गए। आ गया सर, लेकिन क्या हुआ, बाथरूम जाना इतनी जल्दी? नहीं सर, सूर्य प्रताप जी नहीं है। नहीं आया, कहाँ गया फिर? उन्हें कुछ काम आया इसलिए छुट्टी लेकर। छुट्टी लेकर? लेकिन मैंने तो नहीं दी। वही अपने हाथों से लीव लेटर लिखकर। नॉनसेंस, सरकारी दफ्तर समझ रखा है क्या? छुट्टी चाहिए तो लेटर लिखाओ, चले गए। और मैं उसे कुछ कहूंगा, तुम लोगों ने यही सोचा होगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि तुम लोग एक परिवार की तरह हो मेरे लिए। किसी को किसी भी तरह की तकलीफ आ सकती है, उसे हम सबको समझना ही होगा। इतनी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया, उसे लेकर कोई भाग जाए ऐसा थोड़े चाहता हूँ मैं। कहाँ है वो? कुछ अर्जेंट काम है ये कहकर वो यहाँ से गए हुए हैं, कुछ परेशान से लग रहे थे शायद। जानवी,
तुम उस लड़की से प्यार करते हो मुझे पता है, पर इतना ज्यादा करते हो ये मैंने सोचा भी नहीं था। पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे हो। तुम्हें क्यों पसंद है वो इतनी? पसंद नहीं, जान है वो। वो लड़की मिलेगी तो तुम उसे शादी कर लोगे? हाँ। अगर नहीं मिली तो? मिलेगी। अगर नहीं मिली तो क्या करोगे? मेरी जान भी मुझे जरूर मिलेगी। अगर उसे कुछ हो गया हो तो? जो लड़की यहाँ मौजूद नहीं है फिर भी तुम उसे इतना प्यार कर सकते हो, लेकिन जब तुम मेरे सामने हो तो मैं तुम्हें कितना प्यार करूं? तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम उसे ढूंढो, मैं भी अपनी तरफ से ढूंढूंगी। अगर वो मिलती है तो तुम दोनों हमेशा खुश रहना, पर अगर वो हम दोनों को नहीं मिलती है तो तुम्हें मुझसे ही शादी करनी होगी। पर कितने दिनों तक ढूंढोगे उसे? एक टाइम लिमिट तो होनी चाहिए ना। 14th February, वैलेंटाइंस डे, डेडलाइन। अगर वो मिल जाती है तो ठीक है, तुम उससे शादी करके खुशी से जिंदगी बिताना, और अगर वो 14 तक ना मिली तो 15 तारीख को मेरा क्रियाकर्म कर देना। दिमाग चाटेगा, चल अंदर चल। ए रुको, क्यों लड़कियों मुझे भाड़ा कब दे रही हो? दे देंगे सर, थोड़ी कड़की चल रही है। 4 दिनों बाद देने को सोचा था, पर आपकी पत्नी आज ही भाड़ा देने को कह रही है। वो कौन होती है कहने वाली, 4 दिन में नहीं हो पाएंगे तो 4 दिन और ले लो। थैंक यू सो मच जी। ए लड़कियों रुक जाओ, इधर आओ। अच्छा ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन कब तक जियोगी? कोई मिलना भी तो चाहिए, कोई आपके जैसा मिल जाए, इसलिए रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं। मिलेंगे ना, मुझ जैसे पति तो तुम्हें दुनिया में बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन मेरी पत्नी जैसी किसी और की पत्नी दुनिया में नहीं होगी, उससे तो भगवान बचाए। तुम दोनों की शादी होने के बाद एक अच्छी पत्नी बनकर रहना। मर्द की जिंदगी बहुत नाजुक होती है, उसे परेशान मत करना। पता नहीं किस जन्म में पाप किया था कि मर्द बनकर जन्म लिया। सारी तकलीफ भगवान ने मुझे ही दी है। औरतों से शादी करनी पड़ती है, संसार बसाना पड़ता है, बच्चों को पालना पड़ता है, उनकी शादियां करनी पड़ती है, घर बनाना पड़ता है, पुराने कर्ज चुकाकर नए कर्जदार बनाने पड़ते हैं, बीवी की साड़ियां खरीदनी पड़ती हैं। ऐसा करते हुए कैसे जीऊं बताओ? बहुत बकबक कर लिया आपने, अंदर बर्तन सूख रहे हैं। मैं बकबक कर रहा हूं? तो क्या, मैं मर्द हूं, मैं जो भी कहता हूं तुम उसे ना ही कहते रहती हो, दूसरा कोई काम ही नहीं है। नहीं बहुत हैंडसम है रे, मेड फॉर ईच अदर लग रहे हो। ए, ये क्या कर रही है, काट क्यों रही है? उनकी शादी हो गई है, अब कोई फायदा नहीं। मुझे पता है तू उन्हें बुला नहीं पा रही है ना। पूरी दुनिया में सिर्फ उनको अपना कह सकती हूँ और कोई नहीं है। मैं उनसे बात भी नहीं कर पाऊंगी शायद, पर वो मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, यही काफी है। हेलो, मैं सूर्य प्रताप बोल रहा हूँ। हाय, बोलो। लास्ट वीक रेडी की गई प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ भिजवा देंगे क्या? हेलो संजना, गर्म सांसें तुम्हारी मेरी कानों को छू रही हैं। रिपोर्ट भेज रही है या नहीं? मैं ऐसे ही कुछ भी कह देती हूँ, तुम बेकार में अपने आप को दुखी मत करना। मैं यहाँ काम करने आया हूँ मैडम। ओके बाय। ओके बाय। तुम्हारा नाम क्या है? जानवी। यहाँ आकर बैठो। जानवी है ना? हाँ मैम। बहुत दिन पहले जॉब के लिए पहले भी आई थी? हाँ। घर से भागकर आई हो क्या? हाँ। किसी से प्यार करती हो? बस यूं ही पूछ लिया। इस बारे में भी नहीं पता, शायद किया है। hey, रो क्यों रही हो? नाम क्या है उसका? सूर्य प्रताप। उसी के लिए तुम घर छोड़कर आई हो अपना? क्या तुम उसे नहीं मिली? क्यों?
उनकी शादी हो गई है। शादी हो गई? तुम्हें पक्का पता है? शायद। ए, क्यों रो रही हो तुम? बस ऐसे ही मैम। सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। जाओ अपना काम कर लो। थैंक यू मैम। आज के जमाने में किसी पर भरोसा नहीं है मिस्टर सूर्य प्रताप। एक चीज के लिए 10 बार सोचना एक तरीका है, 10 तरह से सोचना अलग तरीका है, समझ गया ना? मतलब दूसरे कंपनी को मात देने के लिए काम कर रहे हैं या अपनी कंपनी को बड़ा करने के लिए? दूसरी कंपनी को मात देकर अपनी कंपनी को उठाना है। मैं समझा नहीं। कोई बात नहीं, देखो चींटी को मारना तो पाप होता है, मगर चींटी के बीच अगर जाकर सो जाओ तो वो रात भर तुम्हें काटती रहेगी, लेकिन अगर तुम थोड़ी दवा डालकर सोओगे तो एक भी चींटी तुम्हें नहीं काटेगी और तुम आराम से सारी रात सो सकते हो। मैं समझा नहीं सर। देखो मार्केट में जब नया कार आता है तो उसका हॉर्स पावर क्या है, वो कितनी तेज चलेगी, ये सब सोचने की उम्र है तुम्हारी, लेकिन वो कितने दिन तक टिकेगी ऐसा सोचने की मेरी उम्र है। तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, अपने सुख के लिए कुछ भी करो वो गलत नहीं। ओके सर, आपकी मर्जी। बेटी संजना, 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 सेंगदाने लेकर शाम को बीच पर पहुंच जाना। क्यों? आज मेरा बर्थडे है। पागल समझ रखा है मुझे, जब मन आएगा तब तुम बर्थडे मनाओगे और मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। सच में? अच्छा। 4,02,000 रुपए। सर आज आपकी बेटी का बर्थडे है क्या? क्यों, बर्थडे है या नहीं? हाँ मेरी बेटी का बर्थडे है आज, लेकिन बात क्या है? सुनो सुनो, रेस्पेक्ट कैसी तैसी कर दी है इसने। संजना मैडम कहाँ गई? चली गई। कहाँ गई? आपके लिए वो उस जगह पर वेट करेंगी। यही क्या कर गई थी वो आपके वो सर जी कब हो गया? सर जी सब ठीक है ना? अगर फ्लाइट गिर गई तो 15 लाख आपके आपके फ्लाइट 15 लाख? ये क्या बोल रहा है? कुछ नहीं, मजाक कर रहा है, पागल है। हमारी शादी की खुशी में इसका दिमाग खराब हो गया है। थैंक यार, तेरी मदद कभी नहीं भूलूंगा, तेरी वजह से ये शादी हुई है। सुनो पैर पड़ के आशीर्वाद लो। व्हाट? दूध वाले के पैर? मैं नहीं। क्या बात कर रही हो, इसका आशीर्वाद नहीं मिला तो हमारा संसार ठीक से नहीं चलेगा। चलो पैर पड़ो। इससे ज्यादा झुक नहीं सकती। खूब सुखी रहो और इंश्योरेंस से धन प्राप्त करो। दिस इज टू मच। क्यों, तुम्हें नहीं दे रही हूँ इसलिए? उस दिन तुम्हारा बर्थडे है, ऐसा झूठ क्यों कहा? बस कह दिया। वही क्यों कहा? कभी हम नए नए मिले थे और तुम मुझे पसंद भी थे, अकेले में कहीं बुलाती तो तुम मुझे कहीं आवारा समझोगे, इसलिए ऐसा किया। बैड फीलिंग आए ये पॉसिबिलिटी है ना, इसलिए। तुम्हें एक बात बता देता हूँ, मैं वही सोच रहा हूँ, तभी नहीं हमेशा वही सोचूंगा। मतलब तुम अब तक मुझे बैड ही समझते हो? अगर ऐसी फीलिंग्स है तो कुछ तो कर ही सकते हो ना। शर्म नहीं आती ना तुम्हें? तुम्हें हिम्मत नहीं है ये बोलो। मुझ में हिम्मत नहीं है, ऐसा क्यों समझ रही हो? नहीं है इसलिए तो तुमने मरने के बारे में सोचा। मरने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है, मैं चाहूँ तो अभी जाकर मर सकता हूँ, क्या तुम मर सकती हो? चुप हो जाओ, डोंट टॉक टू मी। हेलो, चलें क्या? तुमसे कह रहा हूँ चलें क्या? कुछ बात नहीं करनी है तो पागलों की तरह यहाँ क्यों खड़े रहे ऐसे? मैं तो जा रहा हूँ। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। प्रिया ओ मेरी प्रिया, आ बाहों में मेरी आजा। प्रिया ओ मेरी प्रिया, आ बाहों में मेरी आजा, 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 आजा।
मैं धोखा। जानू मैं तेरा इरादा, खिलाड़ी है तू पुराना, मीठी बातें बना के चाहे मुझे तू फसाना। जाने जा मेरे जैसा ना मिलेगा कोई दीवाना। कैसे मैं ये मान लूं तू छोड़ ये बातें बनाना। दिल तुझे दूंगा, जा तुझे दूंगा, जीवन भर मैं प्यार तुझसे करूंगा। यारा ओ यारा ओ यारा बदमाश यारा, मैं जानू ये ड्रामा सारा। हाँ, प्रिया ओ मेरी प्रिया, आ बाहों में मेरी आ जा। सजना तेरा हूँ प्यार में सच्चा, पहचानो मुझको तू जाना। ऐसे मुझे बहकाना, दिल में प्यार जगाना, बस मेरे तू आके दिल में अगर लगाना। दे भी दे अब दे भी दे, मुझे प्यार से दिल अपना तू। छोड़ दे हाँ छोड़ दे, अब पीछा मेरा करना तू। मुझको सताना मुझको जलाना, छोड़ भी दे तू मुझको तड़पाना। मैडम हेड ऑफिस से कॉल है। ब्रांच मैनेजर लाइन पर है। आपका नाम क्या है? हे मैं बात करती हूँ। हेलो डार्लिंग, वेयर आर यू? यहीं बगल में काम से आया था, तुम्हारे ऑफिस के लिफ्ट में हूँ। बस एक मिनट में आया। hey! सडनली यहाँ, चलो चलो। अरे तुम्हारा ऑफिस देखना है। क्या देखोगे, बगल के हॉस्टल में जानवी रहती है ये देख कर आए हो। अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास जानवी की फोटो है? नहीं है। तो चलो। आप सूर्य प्रताप हो ना? मेरा नाम कैसे जानती हैं? बस जानती हैं। कैसे जानती हैं? बस ऐसे ही जानती हूँ सर। हाँ? शादी हो गई है फिर भी हॉस्टल के सामने खड़े होकर। हाँ? ना 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 ना। I'm really very sorry, इस हॉस्टल में कोई जानवी नहीं है, पर यही कॉलोनी में दो और हॉस्टल हैं, जाकर चेक कर ले। तुम मेरे लिए कितनी परेशान हो रही हो। I'm very thankful to you. It's okay. Come. अरे छोटे, कौन है वो जो हमारी सूर्या के कार से उतरी? वही तो मैं भी देख रहा हूँ दीदी, ना सूर्या इस लड़की को लाइन दे रहा है या वो लड़की अपनी सूर्या को। कोई बात नहीं, अगर वो कार उस लड़की की है, कोई भी किसी को लाइन दे चलेगा। अरे भांजे। माँ। हाँ मैं, इधर आओ। संजना आओ। आप लोग कब आए? वो सब छोड़, ये लड़की कौन है? हमारे एमडी की बेटी है संजना, मेरी माँ, ये मामा। नमस्ते माँ जी। खुश रहो खुश रहो। बस। पैदा करके इतने साल हुए, आज तक कभी पैर नहीं छुए इसने। अरे वो सब छोड़ो बेटी, वो जो कार है वो तुम्हारी है ना बेटी? क्या मामा, एमडी की बेटी है, बताया ना ऐसी दसों कार है इनके पास। क्या दस कार?
तब तो कम से कम 3 बंगले भी होंगे। क्यों बेटी, तुम्हारे ऑफिस में काम करने वाले सारे लोगों को तुम इसी तरह छोड़ती हो? नहीं माँ जी, ये मेरे क्लोज हैं इसलिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। कितने भाई बहन हैं? इकलौती बेटी हूँ मैं। इकलौते हो तुम? सुना तूने छोटे? सुन लिया, लगता है अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ 4-5 दिन और रहेंगे ना? अरे अरे, हम लोग तो यही रहेंगे बेटी। ओके, तो मैं कल मिलती हूँ। भाई। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। माँ, आप अंदर जाइए, मैंने कार तक छोड़ के आता हूँ। इतने अच्छे संस्कार मैंने कहीं नहीं देखे छोटे। यही तो, जब टाइम अच्छा चलता है तो कार में से बहू उतरती है। जल्दी से दरवाजा खोलो, भूख लग रही है। क्या बात है। सुन बेटी, मेरी बात मानकर तुम लोग शादी मत करना, ऐसे अकेली ही रहना। मुझे देखा ना, मैं शादी के चक्कर में आकर कितनी परेशानियां झेल रही हूँ। मेरी क्लासमेट मिलिट्री में चली गई। काश मैं भी चली गई होती। मिलिट्री में लड़की? हाँ, अरे लड़कों का भेष धारण कर लिया, यहाँ वहाँ भागी, कूदी, छलांग लगाई और फिर सिलेक्ट हो गई। ज्वाइन कर लिया क्या? हाँ, मजे में 6 महीने तक बोट में घूम रही थी। तो ड्रेस चेंज करते समय बाकियों को पता नहीं चला? पता चला भी तो क्या, यहाँ एक लड़की है, ऐसा कोई क्यों कहेगा। सच में? हाँ सच रुको, में। रुको रुको रुको, ये जो भी बताती है वो सब झूठ है। इसकी बातों पर भरोसा करके कहीं तुम मिलिट्री ज्वाइन मत कर लेना। मैं झूठ बोल रही हूँ? झूठ नहीं तो क्या सच है? जाओ जाकर तुम्हें मिलिट्री ज्वाइन कर लो। उसी ने बताया। बताएगी क्यों नहीं बताएगी, किसको पता है वो मैडम वहाँ क्या कर रही है? ए क्या हुआ? ए, मैंने उन्हें देखा, कहा, बात भी की। तूने बात की? मैं उनके पास गई और उनसे पूछा कि आप सूर्य प्रताप हो ना, और वो सोच में पड़ गए और उन्होंने पूछा कि आप कौन हो। मैं हंस कर आ गई। ऐसा क्यों किया? अगर वो कुछ और समझे तो? क्या समझेंगे, हॉस्टल के बाहर लाइन मार रहे थे, वो वैसे किस्म के नहीं है। आप कैसे थे? कूल शर्ट, मैचिंग पैंट, व्हाइट ग्लासेस, फोटो से भी ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। थैंक्स। कहाँ बेटी, ऑफिस के लिए क्या? हाँ ठीक है, संभल कर जाना। आप लोग, कौन चाहिए आपको? यहाँ जानवी नाम की एक लड़की रहती है, कहाँ है वो? मैं ही हूँ जानवी। तुम हो? हाँ। यहाँ और कोई जानवी रहती है क्या? नहीं तो? जहाँ तक मैं जानता हूँ यहाँ पर 2 लड़कियाँ रहती हैं। ओ वो, यहाँ मैं और सुनीता रहती हैं, वो ऑफिस गई है। वो लड़की कहाँ की है? नागपुर। नागपुर? नागपुर। तुम्हारा काम मुझे बहुत अच्छा लगा। आई लाइक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। जानवी, भोपाल में हमारा एक ब्रांच है, पता है ना तुम्हें? नहीं पता मैम। वहाँ एफिशिएंट स्टाफ नहीं है, इफ यू डोंट माइंड मैं वहाँ तुम्हें ट्रांसफर कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारी सैलरी 2000 इंक्रीज करूँगी। कंपनी के क्वार्टर्स भी होंगे वहाँ, कोई परेशानी नहीं होगी तुम्हें। क्या तुम वहाँ जा सकती हो या यहीं रहना है? मैं चली जाऊँगी मैम। यहाँ तुम अपने लोगों को छोड़कर जाओगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मेरा यहाँ कोई भी नहीं है, जितनी जल्दी हो सके मुझे भेज दीजिए। गुड, आई लाइक इट। जल्दी जाने की तैयारी कर लो। थैंक यू मैम। इट्स ओके। ये कलर कैसा है आंटी? तुम साड़ी क्यों पहनोगी बेटी, तुम पर चूड़ीदार अच्छी लगेगी। मेरे लिए नहीं, आपके लिए। छोटी, ये मुझे साड़ी दिला रही है। उसके बारे में फुर्सत से सोचेंगे, पहले लूट लो लूट लो। देखो बेटी, बनारसी और बांधनी की डिजाइन है तो साड़ी दिखाना, मुझे चमक दमक वाली नहीं चाहिए। ठीक है। जीजा जी के जाने की कमी पता चलता है दीदी, आपकी साड़ियाँ देखकर। वही तो। कौन सी रेंज में दिखाऊं? 1-2 10,000 से ज्यादा रेंज के मत दिखाना, अब हमारे जीजा जी भी नहीं रहे। आप लोगों से परेशान हो गए होंगे। एक बात बताओ बेटी,
मुझे साड़ी दिलाने का मन क्यों हुआ तुम्हारा? ऐसे क्यों कह रही हैं? अगर मेरी सास होती तो मैं ही खरीदती ना। अरे सास कहा इसने? इससे अच्छा मौका जिंदगी में नहीं आएगा दीदी। हाँ। दो चार और साड़ियाँ ले लो दीदी। हाँ। ये डिजाइन बहुत अच्छी है बेटी, ऐसे ही बॉर्डर में तीन अलग अलग कलर की साड़ियाँ दिखाओ। ठीक है। तुम्हें देखती हूँ तो मुझे मेरी बहू दिखाई देती है बेटी। थैंक यू माँ जी। मेरा बेटा ऐसी कब मुझे साड़ियाँ दिलाएगा? उसमें क्या है, वो दिन जल्दी ही आएगा। और कुछ खरीदना है आपको? आज के लिए इतना ही काफी है बेटी, काफी है। वाह, चश्मा लगाकर मैं अनिल कपूर दिखता हूँ। माँ ये सब क्या है? क्यों रे, भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी आंखें दी है ना, दिखाई नहीं देता? एक दो नहीं, तीन चार साड़ियाँ है। मतलब वो कुछ भी देगी आप ले लोगी? तूने दिलाई क्या? इतने दिनों में तेरे बाप ने कभी नहीं दिलाई। 25 साल से उनके साथ जिंदगी बिताई, कितनी बार उनसे साड़ी के लिए कहा, लेकिन एक बार भी मुझे 100 रुपए की साड़ी नहीं दिलाई। उसे इससे क्या मतलब? तेरे पापा ने अपने जमाने में काफी लोगों को पटाया था। तेरे पिताजी की बात छोड़, नौकरी मिलके तुझे कितने महीने हो गए? आज तक माँ ये तेरे लिए साड़ी ले, ये ब्लाउज पीस ले, कभी कहा तूने? तुझसे तो वो लड़की अच्छी है। हाँ, हाँ, वही अच्छी है। मामा जी आपको तो बताना चाहिए था ना। करेक्ट, तू बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने भी कहा दीदी इस लड़की के अच्छे संस्कार है इसलिए ऐसा बोल रही है। तू मत लेना, ले लेंगे तो क्या सोचेगी हमारे बारे में? बेकार में मेरा भांजा बदनामों का, सच कह रहा हूँ ना। मुझे भी उसने प्यार से ऑफर किया तो मैं मना नहीं कर पाया। अब क्या करूं भांजे? तेरी अकल क्या घास चने गई है? उसने मुझे फ्री में नहीं दिया, प्यार करती है वो तुझसे, दिल में बसा लिया तुझे, और तुझसे शादी भी करना चाहती है, इसीलिए मुझे सास के नाते साड़ी दिलवाई। बिना कुछ सोचे उस लड़की से शादी कर लो। ऐसी बात नहीं है माँ, मैं जो कह रहा हूँ। मुझे पता है तू क्या कहना चाहता है, मैं ऑलरेडी एक लड़की से प्यार करता हूँ। हाँ वही संजना जैसी लड़कियाँ, घर आंगन फैक्ट्री बैंगलोर और ऊटी जैसे जगहों पे कई गेस्ट हाउस भी होते हैं। इकलौती लड़की है, अकेला बाप है, अगर उसे कुछ हो गया तो हम लोग आराम से जाकर सेटल हो सकते हैं। ये बात हमारे भांजे को पता नहीं थी दीदी, इसलिए ऐसा बोल रहा है, समझा करो। मैं मर जाऊंगा मगर शादी नहीं करूंगा। अरे मरने के बाद शादी क्या करेगा? इसकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया दीदी। ए मैं हूं ना। भोपाल जाना जरूरी है क्या? वहाँ अकेली कैसे रहोगी तुम? उनसे कह दो मैं यहीं रहूंगी, वरना तुम कोई नई नौकरी ढूंढ लो। जाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। कभी कभी फोन करना, अगर वो कभी देखे तो वो खबर मुझे चिट्ठी लिखकर दोगी ना? ये लो ये पैसे रखो, और ये राज किसी को मत बताना। एयर होस्टेस हूँ ये बताकर मैंने उसे शादी की। थैंक यू। उन लोगों ने मुझे डिसमिस कर दिया, ऐसे झूठ बताकर इस ड्रामा को खत्म कर दूंगी। ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी क्लाइमेक्स बाकी है। क्यों रे, इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ, का एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा और क्रैक करके दे दिया? नहीं छोडूंगा आज मैं तुझे, नहीं छोडूंगा, नहीं छोडूंगा। और तू इस उम्र में तू मेरी बैचलर लाइफ को खराब करने के लिए आई है, चल निकल, निकल यहाँ से। किधर जाऊँ मैं? बैठ यहाँ। कौन जाएगा बाहर पता है तुझे? तूने मुझसे शादी क्यों की? तुझे बहुत बड़ी एयर होस्टेस समझ के। अच्छा, फ्लाइट अगर गिर गई तो 15 लाख हड़पने के लिए। तुम्हारी तरह मैं भी हूँ, अकेले बिल्डिंग में कोई मिलेगा ऐसे देख रही थी, तू मिल गया तो बटन दबा दिया। ज्यादा मत बोल, ज्यादा मत बोल, वरना एक ही बार में गला दबा दूंगी। इज्जत से बर्तन साफ कर दे, कपड़े धो दे। वैसे मैं भी बिहार की हूँ, तोड़ कर रख दूंगी, ऐसे मत देख। बहुत बढ़िया दीदी, इधर देखो दीदी, दीदी देखो कोई आया है, देखो। आ जाओ बेटी, आ जाओ। नमस्ते माँ। कॉफी पियोगी, उपमा खाओगी? नहीं। हाय। हाय। टिफिन में डाल देती हूँ, भूख लगे तो खा लेना। तुझे क्या हुआ? लीजिए। क्या है ये? कार कीज। मुझे किस लिए? जनरल मैनेजर को कंपनी ने दी है। पर मैं तो जनरल मैनेजर नहीं हूँ। रात को डैड ने डिसीजन लिया था। उस दिन पहले नौकरी मिली है, इतनी जल्दी प्रमोशन का मिलेगा ना? बेटा तुझे ही तो मिलेगा। दीदी कार खड़ी है। कार खड़ी है? अब बाहर आकर देखो, नई कार है, नई। प्यारी बच्ची, सिर्फ एक ही इशारे में कितना अच्छे से समझा दिया। क्यों नहीं समझेगी दीदी, लक्ष्मी देवी है, लक्ष्मी देवी। ये बताओ मुझे आवाज किसने दी? आए। टाइम ज्यादा नहीं है, जल्दी बताओ आवाज किसने दी? मैंने।
क्या चाहिए भाई? झगड़ा मत करो भांजे। हमें थोड़ी देर से पता चला इस पेपर में एड किसने दिया। मैंने। जानवी कहाँ है तेरी जानवी? जानवी का तेरे साथ क्या रिश्ता है? उसका मामा हूँ मैं। ओ, उसे मिठाई भी ना खाने देने वाला मामा तू ही है ना बे? इसका मतलब तू इस विषय में बहुत कुछ जानता है। जानवी कहाँ है इज्जत से बता दे। तू क्या लगता है जानवी का? जानवी का होने वाला पति मैं ही हूँ। ए, दो शादियाँ तुझे कम पड़ गई क्या जो जानवी से शादी करने चला है? देखिए देखिए झगड़ा मत कीजिए। आपकी जानवी कहाँ है हमें नहीं पता, सच कह रहा हूँ। इसकी शादी जिससे होने वाली देखिए वो यहीं खड़ी है। देखिए हाँ जी, तू मूवमेंट करता लाइक। देखिए मेहरबानी कीजिए अब चलिए। ठीक है, तेरी बात पे भरोसा करके हम लोग जा रहे हैं। जानवी कहीं दिखे तो बता देना। तुझे क्यों बताऊंगा बे, अगर जानवी मिली तो मैं ही उसे शादी करूंगा। मेरी बात सुनिए, जानवी को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए आप जाइए, मैं इसे समझाऊंगा। निकल, चल निकल यहाँ से, चल। ए, कौन है रे जानवी? देखा ना उन लोगों को, एक मिनट में मार के फेंक देंगे तुझे वो लोग। इस लड़की को देख, क्या कमी है इसमें। इससे शादी करेगा तो सुखी रहेगा। मेरी इकलौती संतान है तू बेटा, ऐसी वैसी कलमुई को लेके घर में मत आना। मेरी बात मान और इससे शादी कर। बोलता क्यों नहीं तू? संजना तुम भी इनको समझाने के बजाय उल्टा इनकरेज कर रही हो। मुंह तोड़ दूंगी। इस पर चिल्लाता है, माँ हूँ तेरी भलाई चाहती हूँ इसलिए कह रही हूँ। हाँ समझ गया, पर मुझे समझने वाला कोई नहीं है। शादी कर लो, प्यार से अपनी जिंदगी बिताओ। इश्क में डूबी डूबी रहती हूँ हमदम।
पे छा रही मदहोशियां, चाहे तुम प्यार में कर लो जितने भी सितम, कुछ पर तो कर दो मुझ पे प्यार का करम, तेरे बिना न जाए रहा, तेरे बिना जीना बेटी जानवी, तुम वापस आ गई। सूर्य प्रताप ने तुम्हें किस किस जगह पे नहीं ढूंढा बेटी। तुम उस दिन आधा घंटा रुक गई होती तो ये परेशानियां नहीं होती। चलो देर आए दोस्त आए, सब लोग ऊपर हैं। आओ आओ बेटी, आओ आओ। हे भगवान। जी माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं सर, मैम, आप यहाँ? ये कौन है बेटी? जानवी, तो वो तुम ही हो महारानी जिसने मेरे बेटे का चैन और शांति छीन ली है। हेलो, सूर्य प्रताप जी हैं क्या? सूर्य प्रताप जी अभी आकर बाहर चले गए, कुछ खास बात? खास बात नहीं है, सूर्य प्रताप जी आए तो कहना कि जानवी आ गई है, वो घर पर ही है, जैसे ही पहुँचे तुरंत निकलने के लिए कहना। जानवी कौन? अरे भाई एक लंबी प्रेम कहानी है, उससे कहना जल्दी आ जाए। आप कह रहे हैं प्रेम कहानी है? सूर्य प्रताप सर की जरूर बोल दूंगा, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। टेलीफोन करूंगा, टेलीग्राम करूंगा, पेजर करूंगा, पर उनसे बोल दूंगा सर। मेरे बेटे से शादी करके तुम तो सुखी रहोगी, पर हम नहीं रहेंगे, और उसके अलावा हमने जो कर्जा लिया है वो भी नहीं चुका पाएंगे। पता नहीं कौन से नक्षत्र में तुम हमारे भांजे की जिंदगी में आई हो, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अभी अभी तो उसका मन बदलने लगा था, अब तुम फिर से आकर उसका चैन मत छीनो, मेहरबानी करके तुम उसकी जिंदगी से चली जाओ। अब हमारे भांजे की शादी संजना से होने वाली है। अगर तुम मेरे भांजे से प्यार करती हो तो मेहरबानी करके जाओ यहाँ से। संजना तुमसे भी ज्यादा मेरे बेटे से प्यार करती है, अगर तुम उन्हें अलग करोगी तो हमारी हाय तुम्हें लगेगी। तुम्हारा इस घर में आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, चली जाओ तुम। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ, मेहरबानी करके मेरे बेटे को भूल जाओ, उसकी जिंदगी से चली जाओ। हाँ जानवी, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ, पर वो तुम्हें बुला ही नहीं पा रहे, तुम हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाओ, इसलिए मैंने तुम्हारा ट्रांसफर करवाया था। उनकी शादी हो गई है ये सोचकर तुम उनसे दूर थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर तुम मुझे थोड़ी भी इज्जत देती हो तो कभी भी उनकी नजर के सामने मत आना, उनसे दूर हो जाओ प्लीज। क्यों रो रही हो? सूर्य प्रताप तुम्हारा इंतजार कर रहा है, पता है ना, उसके आने तक रुकना चाहिए था, और वैसे भी वो संजना बहुत बड़ी धोखेबाज है, उसके लिए तुम सूर्य प्रताप को कैसे छोड़ सकती हो? संजना ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी। वो कौन होती है? इतने दिनों तक संजना ने ही मेरी हेल्प की है, बिना कोई सर्टिफिकेट के मुझे नौकरी पर रखा। बहुत बड़ी गलती कर रही हो जानवी। नहीं, मैं जाऊंगी। जानवी प्लीज। सर 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 सर, एक फोन आया सर, बहुत अर्जेंट है। जानवी के नाम सर। जानवी का? हाँ सर, सही कहा सर। क्या कहा उसने? उन्होंने आते ही आने के लिए बोला है। कितना टाइम हुआ? बिल्कुल अभी सर, आपका इंतजार कर रहे हैं वो। देखिए सर, वो आपके बारे में कोई लव स्टोरी बता रहे थे मुझे कुछ। गुड लक सर। माँ, जानवी आई थी ना, कहाँ है वो? कुछ बोल क्यों नहीं रही माँ? मामा आप कुछ बोलिए ना, बोलिए ना मामा। ये लोग तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे सूर्या, मैं बताता हूँ क्या हुआ। बेचारी वो लड़की रोते रोते तुमसे मिलने के लिए आई, पर तुम्हारी माँ और मामा की कड़वी बातों से उसका सीना छलनी हो गया।
इन्होंने उससे कहा कि जब से वो तुम्हारी जिंदगी में आई है तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई है। इतना ही नहीं, रो रो कर इन्होंने तुम्हारी जिंदगी से निकल जाने के लिए भी कहा। तुम जानते हो संजना भी अभी तक यही थी। संजना के ऑफिस में जानवी अभी तक काम करती थी। संजना ने उससे विनती की कि वो कभी तुम्हारे सामने ना आए। इन सब ने जानवी को तुमसे संबंध तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इनसे मेरा खून का संबंध नहीं है, फिर भी ये मेरी तकलीफ समझ गए और मेरे अपने ही नहीं समझ पा रहे। मैं स्वार्थी हूँ, पर इतना नहीं कि अपने भांजे को बेच दूँ। तेरे अलावा हमारा कौन है भांजे? बेटा, हमने तेरे सुख के लिए ये सब कुछ किया बेटा, और कोई मतलब नहीं था। अगर तुझे लगता है कि तेरी खुशी जानवी में है तो जाकर उसे लेके आ जा बेटा, जा। जानवी के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? जानवी मेरे लिए क्या है ये तुम ही जानती थी। मुझ पर क्या बीत रही ये तुम्हें पता है। क्यों किया ऐसा? क्योंकि तुम मुझे पसंद हो, प्यार करती हूँ तुमसे। तो हमें अलग कर दोगे? उसे पता था कि शादी हो गई है, उसी भ्रम में थी। मैंने जानबूझकर सच छुपाया। एक दिन, सिर्फ एक दिन तुम उसके साथ रहे और उसे इतना प्यार करते हो। हर दिन मैं तुम्हें देखती हूँ तो पता है मैं कितना करती हूँ। जिस तरह तुम उस लड़की को चाहते हो उसी तरह मैं तुम्हें चाहती हूँ, समझे? अगर अभी भी तुम उस जानवी को चाहते हो तो जाओ, जाकर घर बसा लो। कहाँ है जानवी? भोपाल जा रही है। सॉरी संजना। मेरी बात मान ली जानवी, अपनी जिंदगी खराब मत कर। एक्सक्यूज मी, क्या आप भोपाल जा रही हैं? नहीं सर, मेरी दोस्त जा रही है। वो हमारी पहचान की है, वो भी भोपाल जा रही हैं। वो बीपी पेशेंट है, थोड़ा उनका ध्यान रखना। मैं बगल के बोगी में हूँ। अरे वो देख, सूर्य प्रताप आए हैं। लगता है वो तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। मैं बता दूं, जानवी चाहे एक बार मेरी बात मान ले। देखो तो, जानवी, 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 चुप रह। सूर्य प्रताप जी, चुप चुप, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। Yeah.
अब ये मेरी बीवी है। क्या कर लेगा तू? जानवी, जानवी, नहीं, मुझे बचियो, जानवी। जानवी, जानवी। तुम्हारे कूदने के एक सेकंड बाद ही बिना सोचे मैं भी कूद जाऊंगा। तुम्हारे लिए मैंने कितना इंतजार किया। तुमसे दूर होने के बाद मेरी जिंदगी से शांति चली गई। तुमसे मिलना है सोच सोच कर तुमसे मेरा प्यार और बढ़ता चला गया। अब जब तुम मेरी आंखों के सामने हो तो मुझे छोड़कर अकेले मरने चली हो। तो क्या करूं? तुम्हारी मां नहीं चाहती कि तुम्हारी पत्नी बन के उस घर में आओ। तुम्हारे साथ मुझे जीना है, मेरी माँ को नहीं। और बोलो, संजना को आपसे बेहद प्यार है। पर मुझे तो नहीं ना, मेरा और उसका कोई संबंध नहीं है। और बोलो, जिस नरक में मैं नहीं जाना चाहती थी, जिससे मैं बचकर घूम रही थी, उसी ने ये मंगलसूत्र बांध दिया, तो अब मैं जीकर क्या करूं? हाँ तो मर जाओगी क्या? कोई भी नालायक आकर तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांध देगा तो वो तुम्हारा पति हो जाएगा। तुम उस मंगलसूत्र को पवित्र मानकर मर जाओगी? नहीं जानवी, मंगलसूत्र जरूरी नहीं है, इंसान जरूरी है। जल्दबाजी में कुछ गलत मत करो, मुझे अकेला मत करो जानवी, प्लीज। फिलहाल एक गैस स्टोव खरीदना है, बाहर का खाना खा खाकर पेट खराब हो गया। उसके बाद संजना जॉब से नहीं निकालती है तो वहीं काम करूंगा, वरना नया ढूंढना होगा। और मेरा रहेगा तो दोनों का रहेगा, वरना दोनों का जाएगा। पर हम उसी घर में रहेंगे। ठीक है, और तुम्हें लड़की चाहिए या लड़का? दोनों। ठीक है, वैसे मुझे भी दोनों चाहिए। एक अच्छे से इंग्लिश मीडियम स्कूल में हम बच्चों का एडमिशन करवाएंगे। मैं थोड़ा ज्यादा कड़वा बोलता हूँ, ना शादी ना बच्चा और स्कूल अभी से डिसाइड कर लिया। आप मेरे बारे में नहीं जानते, मैं तो आपसे भी बड़ी जिद्दी हूँ। अच्छा, शादी के बाद आप सब कुछ समझ जाएंगे।